ओके फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो कल हम पढ़ रहे थे इंडिया भूटान रिलेशंस, तो हमने काफ़ी अच्छा 3 घंटे का एक सेशन लिया और हमने इंडिया भूटान समझने की कोशिश की। उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, बट पहले मैं कल जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर दूंगा एक तरीके से, ठीक है? तो 15-20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में मैं समराइज करूंगा। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो जाकर देख ले, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे सिर्फ समराइजेशन होगा बहुत क्विकली, और फिर हम कल जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया भूटान रिलेशन में हमने सबसे पहले देखा कि इंडिया भूटान के बीच में कौन वाली बुद्धिज्म है, ये हमने समझा था। बुद्धिज्म जो था वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, फिर भूटान में बुद्धिज्म गया, और वहाँ पर बुद्धिज्म में एक लोग वहाँ पर बुद्धिज्म फॉलो करने लगे और भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री बन गया। तो आज़ादी के बाद 1947 से ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उन्होंने भूटान के साथ कॉमनवेल्थ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज़ादी के बाद धीरे धीरे इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ने लगी थी। इसलिए इंडिया को ये बात मालूम था कि आगे चल के इंडिया अगर साउथ एशियन रीजन का NSP बनना चाहता है तो उसको अभी से ही कॉमन वैल्यूज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये बात हमने देखी थी कि अगर इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड बनना बनना चाहता है, अगर इंडिया अलायंस फॉर्मेशन करना चाहता है, तो कॉमन वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम पहले हम कौन, कौन, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम समझ चुके हैं। तो इंडिया ने शुरुआत से ही ये जो वैल्यू है कॉमन वैल्यू बुद्धिज्म की, उसको एक तरीके से लिवरेज किया, उसको एक तरीके से एक कॉमन वैल्यू की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की शुरुआत से ही। फिर हमने देखा था फिर हमने देखा कि जो भूटान है उसकी कुछ हमने हिस्ट्री समझने की कोशिश की कि भूटान का पुराना नाम ड्रॉक्यूल था, और एक 747 AD में एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जिनका नाम था पद्म संभव। ये एक मॉन्ग थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग के भूटान गए थे, और उन्होंने जाके भूटान को वहाँ पर, ये पद्म संभव बुद्धिस्ट मॉन्ग थे और इन्होंने भूटान में एक तरीके से बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, बुद्धिज्म को भूटान लेकर गए पद्म संभव। तो हम ये कह सकते हैं कि 1747 से AD से ही इंडिया भूटान के एक तरीके से रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए थे, हम ये कह सकते हैं। फिर मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ, भूटान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। मेडिवल टाइम्स में भूटान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, और जब भूटान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, इंटरनल वॉर्स होने लगे, तो भूटान में इंटरनल इनस्टेबिलिटी आ गई भूटान में। और जब भूटान में इनस्टेबिलिटी आ गई तो इंडिया भूटान के रिलेशंस एक तरीके से होल्ड पर हो गए, उतने नर्चर हो नहीं पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिशर्स आए, है ना? मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश आए। अब ब्रिटिश को एक थ्रेट परसेप्शन था नॉर्थ से, ना? ब्रिटिशर्स को लगता था कि नॉर्थ के थ्रू, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से रशिया ना, USSR ना आ जाए इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने भूटान में पॉलिसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, पॉलिसी ऑफ रिवर्स फ्लो फॉलो की ना, पॉलिसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और पॉलिसी ऑफ रिवर्स फ्लो। इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने, ये मान लीजिए भूटान है, तो भूटान के नीचे यहाँ पे हमारा आसाम है, और उस समय आसाम में अहोम राज्य था, अहोम किंगडम था। तो ब्रिटिशर्स ने अहोम किंगडम के थ्रू भूटान, पहले अहोम किंगडम पे अटैक किया, अहोम किंगडम को जीत लिया, फिर भूटान पे अटैक किया ब्रिटिशर्स ने। पर भूटान पे जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, वहाँ आपका जो टेरेन है वो डिफिकल्ट है,
डिफिकल्ट टेरेन है यहाँ का और यहाँ का नॉर्थ साइड का, ये पूरे दोनों दोनों तरफ से डिफिकल्ट टेरेन है। तो ऊपर से इंडिया को इन्वेड करना भूटान के रास्ते से आसान नहीं होगा, ये ब्रिटिशर को समझ आ गया। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं वो थ्रेट परसेप्शन जो था ब्रिटिशर्स का वो कम हुआ जब उन्होंने उस डिफिकल्ट टेरेन को देखा और समझा। उस समय पर चाइना भी वीक था, है ना, हम जानते हैं चाइना की हिस्ट्री, हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि चाइना में एक तरीके का सिविल वॉर शुरू हो गया था, है ना, उसी पीरियड में सिविल वॉर वगैरह के फेज के पहले का चाइना है, उस समय पर चाइना वीक था, है ना, सिविल वॉर के टाइम पे और चाइना आइसोलेट हो गया। फिर उसके बाद 1949 में जब चाइना का सिविल वॉर खत्म हुआ तब जाके चाइना का एक तरीके से राइज शुरू हुआ। तो उस समय पर जब जिस समय की अभी बात हो रही है उस समय पर चाइना भी वीक था। तो इस तरीके से एंग्लो भूटान वॉर्स हुए। एंग्लो भूटान वॉर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि भूटान के रास्ते से कोई इंडिया को इन्वेड ना कर पाए, इस बात को इंश्योर करना। तो एंग्लो भूटान वॉर्स होने के बाद जब हुआ, जब एंग्लो भूटान वॉर्स हुआ तो इसका आउटकम क्या हुआ, इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है भूटान डिफीट हो गया, भूटान डिफीट हो गया। और भूटान के डिफीट होने के बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान को एनेक्स नहीं किया, नॉट एनेक्स, भूटान को एनेक्स नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, ए डबल एन ही होगा, ठीक है, भूटान को एनेक्स नहीं किया, पर साथ ही साथ भूटान का स्टेटस भी डिफाइन नहीं किया, है ना, स्टेटस भी डिफाइन नहीं किया ब्रिटिश ने, ठीक है। और भूटान के साथ सिर्फ एक ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन कर ली, एक ब्रिटिशर्स ने भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन की 1910 में, एक ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन कर ली। और इस ट्रीटी में यह कहा गया कि भूटान को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि नॉर्थ साइड से इंडिया में कोई अटैक ना हो, बस इतनी सी छोटी सी बात इसमें कही गई। और इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि भूटान से कोई थ्रेट नहीं है भूटान की साइड से, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल टेरेन इस तरीके का है, बहुत डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है। अभी आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारा मॉडर्न हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो अब हमको उतना दिक्कत नहीं होती, भूटान की साइड से हम उस तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। बट इस समय पर जिस समय की बात हो रही है जब अंग्रेज इंडिया में थे, उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टेरेन को क्रॉस करना आसान नहीं था। तो ब्रिटिशर्स की एक इनसिक्योरिटी कम हो गई भूटान की तरफ से, पर ब्रिटिशर्स ने एनेक्स नहीं किया भूटान को क्योंकि भूटान में उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स का कोई भी वहाँ पर ट्रेड मोटिव नहीं था बिकॉज रिसोर्स नहीं थे वहाँ पर, तो ब्रिटिशर्स को एनेक्स करने में कोई फ़ायदा दिखा नहीं, तो उन्होंने उसको भूटान को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो एक सवाल इंडिया के सामने था, और सिर्फ इंडिया के सामने नहीं था, पूरे वर्ल्ड के सामने था कि भूटान को लेके क्या करना है, क्योंकि भूटान का लीगल स्टेटस डिफाइन नहीं था, ये मैंने बताया कि स्टेटस को ब्रिटिशर्स ने डिफाइन नहीं किया था भूटान का। तो ये सवाल था बहुत बड़ा इंडिया के सामने कि क्या करें, है ना, उसी समय पर जब ये डिबेट हो रहा था कि भूटान का क्या करना है, भूटान का लीगल स्टेटस डिफाइन नहीं है, उसी समय पर क्या हुआ कि ये जैसे भूटान है तो यहाँ ऊपर चाइना है और नीचे इंडिया है, तो चाइना ने क्या किया, भूटान के यहाँ पर ये भूटान और चाइना की बाउंड्री पे कुछ विलेजेस हैं उनको एनेक्स कर लिया, भूटान पर अटैक करके इन विलेजेस को छीन के 1949 में अपने में मिला लिया। ये कह के कि ये जो लोग हैं वो चाइना चाइनीज पीपल हैं, चाइना चाइनीज भाषा बोलते हैं, इसलिए ये हमारे लोग हैं, तो स्नेच कर लिया चाइना ने भूटान से ये। और जब चाइना ने उसको स्नेच कर लिया तो एक तरीके से भूटान अपसेट हुआ, भूटान इससे अपसेट हुआ और भूटान इंडिया की तरफ टिल्ट हो गया, भूटान इंडिया की तरफ टिल्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और भूटान के मन में एक नेगेटिव परसेप्शन चाइना को लेके डेवलप होना शुरू हो गया। इसी बात का फायदा उठाया नेहरू जी ने, नेहरू जी ने देखा कि ये सही मौका है भूटान के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को नर्चर करने का। तो इंडिया ने क्या बोला, ये इंसिडेंट होने के तुरंत बाद इंडिया ने स्टेटमेंट दिया, इंडिया ने क्या बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया भूटान पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया का स्ट्रेंथ भूटान पे क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके ऐसे विचार हैं कि इंडिया को भूटान पे भूटान को अपने अंदर मिला लेना चाहिए था, वो विचार गलत है। भूटान हिस्टोरिकली कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा,
और जो हिस्टोरिकली इंडिया का कभी पार्ट नहीं रहा उसको हम जोर जबरदस्ती अपने अंदर नहीं मिला सकते अनटिल अनलेस वहाँ के लोग खुद विलिंगली इंडिया में मिलना ना चाहें तो। ठीक है, तो इंडिया का बड़ा ही अच्छा स्टांस था, बड़ा ही लॉजिकल स्टांस था। सबसे पहले इंडिया ने बोला कि इंडिया रिस्पेक्ट करता है इंडिपेंडेंट भूटान को, ये बोला। पहला चीज ये बोला नेहरू जी ने, मतलब इंडिया ने। दूसरा, इंडिया ने भूटान को क्लियरली बोला कि हम नॉन एक्सपेंशनिस्ट हैं। हम नॉन एक्सपेंशनिस्ट हैं मतलब हमारा भूटान में कोई भी एम्बिशन नहीं है। हम भूटान को इंडिपेंडेंट, हम भूटान के इंडिपेंडेंट स्टेटस को और भूटान की सोवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा बात, इंडिया ने बोला कि भूटान हमेशा से कल्चरली इंडिया से रिलेटेड है। इसका मतलब इंडिया ने भूटान के साथ जो कल्चरल एंगेजमेंट है, बुद्धिज्म की जो कॉमन वैल्यू है, उसको लिवरेज करना शुरू किया। एक कल्चरल वैल्यू को, एक कॉमन कल्चरल वैल्यू को लिवरेज करना शुरू किया। फिर इसके बाद 1948 में और 49 में इंडिया ने भूटान में एडवाइजर्स भेजे, इंडिया ने भूटान में, जिससे कि भूटान का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है और उसको अजर्ट करने में भूटान को हेल्प मिल सके। तो एडवाइजर्स भेजे, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस को अजर्ट करने में भूटान को हेल्प मिली इसलिए। फिर 1949 में, इसके बाद जस्ट बाद, नेहरू जी ने भूटान को विजिट किया और विजिट करने के बाद वहाँ पर जाके भूटान के राजा से भी मिले। और भूटान के और वहाँ मिलने के बाद नेहरू जी ने भूटान में जाकर, ये 3 पॉइंट भूटान में जाकर वहाँ खड़े होकर बोले कि इंडिया भूटान के इंडिपेंडेंट स्टेटस को रिस्पेक्ट करता है, इंडिया नॉन एक्सपेंशनिस्ट है। ये दोनों बातें, ये तीनों बातें कि इंडिया कल्चरली भूटान से लिंक्ड है, रिलेटेड है हमेशा से, ये तीन बातें नेहरू जी ने भूटान में जाके बोली, जिससे एक पॉजिटिविटी आई भूटान में इंडिया को लेके कि हाँ भाई इंडिया हमको रिस्पेक्ट करता है, हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। तो इंडिया भूटान और इंडिया के क्लोज आना शुरू हो गया। अब जब भूटान इंडिया के क्लोज और ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो 1949 में ही इंडिया ने भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये साइन कर ली और इस ट्रीटी में ट्रेड, कॉमर्स, पीस, जस्टिस के डायमेंशन थे। ये एक ट्रीटी फोरसाइट वाली ट्रीटी थी, ये एक फोरसाइट वाली ट्रीटी थी। इंडिया ने ये बात समझी कि इंडिया, भूटान और चाइना के रिलेशंस बिगड़ गए हैं इस इंसिडेंट के बाद, जो चाइना ने हरकत की उसके बाद। तो इंडिया को ये समझ आ गया कि हमारे पास अभी मौका है, हमको भूटान में एक छाप छोड़ देनी चाहिए, और उस फोरसाइट के साथ इस ट्रीटी को साइन किया गया। ठीक है, तो एक बड़ा ही रियलिस्टिक थॉट के साथ भूटान के साथ ये ट्रीटी को साइन किया गया था। बड़ा ही रियलिस्टिक थॉट था, प्रैग्मेटिक थॉट था उस समय पर, कि भूटान के ऊपर हम एक ऐसा इमेज छोड़ दें, अपना एक छाप छोड़ दें कि भूटान हमारा परमानेंट अलाय बन जाए, परमानेंट फ्रेंड बन जाए, जो कि हुआ भी। तो इस ट्रीटी में सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया वो पीस और जस्टिस का बोला गया, पीस एंड जस्टिस का पहला पॉइंट बोला गया। तो पीस का मतलब है कि इंडिया ने एम्फेसिस दिया कि इंडिया भूटान के साथ एक पीसफुल रिलेशन चाहता है, मतलब इंडिया भूटान के खिलाफ कभी भी एग्रेशन नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, भूटान ने बोला कि हम भूटान, दूसरा पॉइंट जो मतलब इस ट्रीटी में था वो था जस्टिस का। तो जस्टिस के दो एंगल थे इसमें, नंबर वन था सोशल जस्टिस और नंबर टू था इंटरनेशनल जस्टिस। इंटरनेशनल जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये था कि चाइना ने जो हरकत की थी उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया ने कंडेम किया यहाँ पर। नंबर टू, भूटान का जो इंटरनेशनल स्टेटस था वो डिफाइन नहीं था, ये बात मैंने आपको भी बताई। तो इंडिया ने भूटान को का इंटरनेशनल स्टेटस डिफाइन करने में उसकी हेल्प की।
और अल्टीमेटली इंडिया ने यूएन में इस पॉइंट को रेस किया और इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए इस चीज़ को लेके, और अल्टीमेटली 1971 में यूएन में भूटान को मेंबरशिप मिल गई। यूएन मेंबरशिप का मतलब होता है कि भूटान का एज अ सोवरेन नेशन स्टेटस डिफाइन हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ था। इंडिया ने भूटान का इंटरनेशनल सोवरेन कंट्री के तौर पे स्टेटस डिफाइन कराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इंडिया ने बोला कि भैया देखो हम सोशल जस्टिस चाहते हैं भूटान में, तो इंडिया ने बोला कि हम आपके डेवलपमेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, पार्टनर हैं हम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पार्टनर का, अब ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना पार्टनर का क्या मतलब है। इंडिया ने बोला कि हम आपके पार्टनर बनेंगे, ये दूसरा पॉइंट था जो इंडिया ने बोला, जो कि बहुत बड़ा बात था। फिर उसके बाद इस ट्रीटी में इंडिया ने बोला भूटान को कि हम आपके सिटीजन्स को नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि भूटान का कोई भी व्यक्ति फ्रीली इंडिया में आ सकता है, इंडिया में काम कर सकता है, रेसिडेंस रह सकता है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, मतलब उसको ये सब काम करने के लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। अगर कोई अमेरिका से इंडिया आता है और यहाँ पे ठहरता है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करता है और यहाँ पे रेजिडेंस लेता है, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेन मिनिस्ट्री से, और उस व्यक्ति को इंडिया के पुलिस स्टेशन, जहाँ भी वो ठहरा हुआ है वहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता है कि देखो हम अमेरिका से आए हैं या फला फला एक्स वाई जेड कंट्री से आए हैं और हम यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट उसको देना पड़ता है हमारे पुलिस स्टेशन को, पुलिस को। बट नेशनल ट्रीटमेंट में ये सब नहीं देना पड़ता, आप आइए यहाँ पे रहिए और यहाँ पे रह के काम करिए, प्रॉपर्टी भी खरीदने की आज़ादी होती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इंडिया ने इस ट्रीटी में बोला कि इंडिया और भूटान के ओपन बॉर्डर बनाएंगे। ओपन बॉर्डर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी, आर्मी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होता है, मतलब ये मैं समझा चुका हूँ। ओपन बॉर्डर का मतलब होता है कि आपको भूटान से आने के लिए या भूटान जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए आपको, बिना वीज़ा के आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें मैंने एक इशू भी मैंने बताया था कि 2019 में भूटान ने एक यूज़र डेवलपमेंट फीस इम्पोज की, फिर मैंने बताया था कि 1991 में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज होने के बाद इंडिया का जो लोग हैं उनकी इनकम राइज होने लगी, और जब लोगों की इनकम राइज होने लगी तो उसके बाद 1991 के बाद जो टूरिज्म था भूटान की तरफ वो बढ़ने लगा। जब टूरिज्म बढ़ने लगा तो हुआ ये कि इंडियंस जब वहाँ जाते थे तो वहाँ भूटान का जो एनवायरमेंट था, इकोलॉजी थी भूटान की, वो हार्म हो रही थी, और भूटान के अंदर एक वैल्यू है प्रिजर्व करने का, भूटान के अंदर एक वैल्यू है कि वो अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करते हैं, ये उनके अंदर एक वैल्यू है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी वैल्यू है। तो इस बात से भूटानीज परेशान थे कि भैया ये इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ आ रहे हैं और वहाँ उनका जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म हो रहा है वहाँ पर, तो भूटान ने एक वीज़ा डेवलपमेंट फीस लगा दी। इसका एम यही था कि जो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए उनको डिस्करेज करना। वीज़ा डेवलपमेंट फीस ये वाला जो एग्रीमेंट है, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, उसका वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी वीज़ा नहीं चाहिए, बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं, बस आपको थोड़ी फीस भरनी पड़ेगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा, चौथा पॉइंट मैंने जो बताया था वो था क्लॉज ऑफ एक्सट्राडिशन। ठीक है, इंडिया भूटान के बीच में एक एक्सट्राडिशन क्लॉज साइन हुआ है इस ट्रीटी के अंदर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल क्या होता है, क्राइम करके दूसरी कंट्री में चला जाता है, मैंने जैसे मान लीजिए ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से लगी हुई है। अब होता क्या है कि क्रिमिनल जो होता है वो बी स्टेट में कोई क्राइम करके ए में भाग जाता है। अब बी की जो पुलिस है उसकी तो अपनी बॉर्डर तक ही ज्यूरिसडिक्शन है, बी की पुलिस ए में थोड़ी घुस सकती है, बी की पुलिस तो अपने बाउंड्री तक अंदर रहेगी, तो क्रिमिनल के लिए एक तरीके से ये एस्केप रूट हो जाता है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ए और बी क्या करती हैं, एक क्लॉज ऑफ एक्सट्रेडिशन साइन कर लेती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर बी ये प्रूव कर दे कि हमारे यहाँ से क्रिमिनल आपके यहाँ आके भाग के आके छुपा है, अगर ये बी प्रूव कर दे तो ए की पुलिस और बी की पुलिस दोनों कोऑपरेट करती हैं और इस क्रिमिनल को पकड़ के दोबारा बी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर से ध्यान से सुनना,
अगर बी ये प्रूफ कर दे कि हमारे यहाँ से क्रिमिनल आके ए में छुपाया, तो उस केस में क्या होता है कि जो ए की पुलिस है वो बी की पुलिस के साथ कोऑपरेट करती है, उस क्रिमिनल को पकड़ती है और बी की पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। यह है प्री क्लॉज ऑफ एक्सट्रेडिशन। पर इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी बी में हुई तो बी की पुलिस क्या, मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई तो पहले इंडिया की जो पुलिस होगी वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी को एक तरीके से एनालाइज करेगी, फिर उसकी चार्जशीट बनाएगी, फिर इंडिया की गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा भूटान की गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ से एक क्रिमिनल भाग के आपके यहाँ छुपा हुआ है। जब भूटान की गवर्नमेंट एक तरीके से पूरे तरीके से कन्विंस हो जाएगी कि हाँ भाई वाकई में क्रिमिनल हम आप भाग के आपके यहाँ आया है, तभी वो कोऑपरेट करेगी। तो ट्रीटी ऑफ लॉज ऑफ एक्सट्रेडिशन साइन तो हो गया है, पर उसके बाद भी ये उतना इफेक्टिव नहीं है। ये बात हमने देखा कि अभी भी ऐसा होता है कई बार कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं वो वहाँ पे हुड़दंग करके, है ना, बम बम फोड़ के भाग जाते हैं भूटान की तरफ। तो ये एक इशू है यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन हमने देखा था कि स्ट्रॉन्गर फेंसिंग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए वगैरह। ठीक है, इस इशू का यही सॉल्यूशन हमने देखा था। तो ये हमने देखा। फिर दूसरा, इंडिया ने बोला कि हम कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इस सब में कोऑपरेट करें, इस सब में कोऑपरेट करेंगे। कल्चर, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, इन सब में भूटान के साथ कोऑपरेट करेंगे, ये बात बोली। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस ट्रीटी में एक आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया, भूटान इंडिया का असिस्टेंस लेगा इंटरनेशनल अपनी फॉरेन पॉलिसी में। असिस्टेंस लेगा, मैंने आपको ये बात बताया था कि असिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं। असिस्टेंस का मतलब है कि इंडिया उनको अपना सुझाव दे। भूटान एकदम इंडिपेंडेंट है उसको मानने या ना मानने के लिए। भूटान इंडिया से असिस्टेंस मांगेगा, इंडिया उसको सुझाव देगा कि हाँ आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। भूटान एकदम इंडिपेंडेंट है कि वो माने या ना माने। इंडिया कभी भी भूटान को रेगुलेट नहीं करना चाहता, डोमिनेट नहीं करना चाहता, ना कभी किया है ना कभी करेगा। इंडिया का कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है भूटान को लेकर। इंडिया सिर्फ एक तरीके से एक स्पिरिचुअल गाइड का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू हमको बुद्धिज्म से आई है। ठीक है, तो भूटान भी ये बात जानता है, हम भी ये बात जानते हैं कि हम भूटान को डोमिनेट नहीं कर रहे, भूटान के माइंड में भी एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इस में लिखा हुआ है, इस मतलब इस ट्रीटी में, कि कोई भी स्टेट अमेंडमेंट के लिए बोल सकती है। मतलब जब भी दोनों कंट्री में से किसी को भी लगे कि इस ट्रीटी को अमेंड करने की ज़रूरत है तो वो दूसरी कंट्री को बोल सकती है कि आप अमेंडमेंट करना, हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट करें। तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, एक मैकेनिज्म क्रिएट करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए भूटान है, ये भूटान है, ये इंडिया है। मान लीजिए भूटान चाहता है कि ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट हो, तो भूटान रिक्वेस्ट करेगा इंडिया से कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। भूटान इंडिया करेगा, एक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्रिएट करेगा मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा, फिर दोनों मिलकर बात करेंगे और जो भी सही है अमेंडमेंट है वो कर दिया जाए। तो ये एक फोरसाइट का एलिमेंट था, है ना। ये वाला जो पॉइंट डाला गया इस ट्रीटी में, इसने इंश्योर किया क्या, पहला कि भूटान को हमने ये बात भूटान को इनडायरेक्टली बोली कि हम आपको एक इक्वल पार्टनर की तरह देखते हैं। आप ये बात ध्यान देखना, कभी भी आप यूएस की ट्रीटीज को देखोगे ना, यूएस जितनी भी ट्रीटीज हैं, जितने भी अलाइंसेज हैं, ट्रीटीज हैं यूएस की, जैसे कि नाटो, ठीक है, जैसे सियाटो, सेंटो, ठीक है, इन सब ट्रीटीज को आप जाके देखना, गूगल पर सर्च करना, इन सब ट्रीटीज में ऐसा एलिमेंट नहीं है। मतलब एक तरीके से यूएस एक यूनिलैटरल राइट रखता है इन ट्रीटीज को अमेंड करने का। यूएस जैसा चाहेगा जब चाहेगा अमेंड करेगा, कोई भी दूसरी कंट्री जो इसका पार्ट है वो इन ट्रीटीज के अमेंडमेंट के लिए नहीं कह सकता। बट इंडिया ने, जब इंडिया भूटान के साथ ये ट्रीटी साइन की, तो इंडिया ने ये वाला पॉइंट रखा। तो एक तरीके से इंडिया ने ये मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को भी और भूटान को भी कि हम भूटान को अपना एक इक्वल पार्टनर की तरह देखते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं है इसमें, कभी भी किसी भी वजह से आप जब भी चाहो आप अमेंडमेंट के लिए कह सकते हो। तो ये चीज़ थी। फिर हमने ये बात देखा कि भूटान के जो लोग हैं,
वो इंडिया आते हैं एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, खास करके हायर एजुकेशन के लिए। फिर भूटान के जो लोग हैं, जो भूटान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भूटान में फैक्ट्री खोलने की आसानी से परमिशन नहीं मिलती। दूसरा, भूटान में रिसोर्सेज कम है तो परमिशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैंने बताया भूटान एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव कंट्री है। उनकी एक वैल्यू है कि वो अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो आसानी से परमिशन नहीं देते फैक्ट्री खोलने की। तो भूटान के इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया आते हैं, इंडिया में आके फैक्ट्री यहाँ लगाते हैं, फैक्ट्री में लगा के यहाँ प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? भूटान में भी करते हैं, मतलब अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, और दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं। तो इंडिया ने ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है प्रोडक्शन करने का और एक्सपोर्ट करने का, इसको ड्यूटी फ्री रखा है, मतलब इंडिया इस पर कोई ड्यूटी नहीं लेता। तो ये एक तरीके का ये अल्ट्रुइज्म का पॉइंट है कि इंडिया को ये बात मालूम है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को फेवर करती है। तो इंडिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ज्योग्राफी की वजह से इंडिया एक तरीके का एक डिसएडवांटेज भूटान को दे और एक अनफेयर तरीके से भूटान से पैसे कमाए। तो इंडिया ने एक ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है, साथ ही साथ इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है अपने कोलकाता पोर्ट का भी। है ना कि भूटान कोलकाता पोर्ट से ड्यूटी फ्री अपना जो मैन्युफैक्चर्ड सामान है वो कभी भी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये बात हुई। अब इससे क्या हुआ, भूटान को काफ़ी फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो भूटान की इकोनॉमी को फायदा हुआ, दूसरा भूटान के जो लोग हैं, भूटान के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला है। ग्लोबल उनको, है ना, पूरी दुनिया को पता चला कि भूटान भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, भूटान के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, तो भूटान को इससे फायदा हुआ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूटान को फायदा हुआ है, इंडिया को भी फायदा हुआ है। इंडिया की जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट ने और कैपिटलिस्ट ने भूटान की टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, पर इसमें प्रॉब्लम है। ये हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इंडिया के जो कैपिटलिस्ट हैं उनमें एक टेंडेंसी है पूरे सेक्टर को डोमिनेट करने की, मोनोपोलाइज करने की। ये बात हमने समझी थी कि मोनोपोलाइज करने की एक टेंडेंसी है। इससे एक भूटान में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो गया है, ठीक है, एक फॉल्ट लाइन जनरेट हो गई है कि इंडिया जो है उसके मार्केट को एक तरीके से कैप्चर कर रहा है। वैसे भूटान एक छोटी कंट्री है। अब इंडिया के कैपिटलिस्ट ने क्या किया है, प्राइम एरियाज में जमीन खरीद के अपने होटल्स बना लिए हैं। उससे जो भूटान के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और भूटान के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो इंडिया के कैपिटलिस्ट जितने अमीर नहीं है, इतने इंडिया के कैपिटलिस्ट जितने बड़े नहीं हैं, तो वो बेचारे इंडिया के कैपिटलिस्ट के साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो गया, एक फॉल्ट लाइन जनरेट हो गई है। तो इंडिया को इस फॉल्ट लाइन को जल्द से जल्द मिटिगेट करना चाहिए, और ये मिटिगेट कैसे होगा, ज्वाइंट वेंचर से होगा। ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है, सिंपल, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है भूटान में, तो मान लीजिए उस प्रोजेक्ट में 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ, तो इंडिया का कैपिटलिस्ट बोले भाई मैं 50 रुपये दे देता हूँ, तू भी 50 रुपये दे, आओ मिलकर चलाएंगे इसको, मतलब आधा फायदा मैं ले लूंगा आधा फायदा तू ले लेना, मिलकर चलाएंगे। तो भूटान के लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम मोनोपोलाइज कर रहे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये करना चाहिए और ये सही भी है। भूटान एक छोटी कंट्री है, उसको मोनोपोलाइज करके क्या होगा, मोनोपोलाइज करना है तो अमेरिका को करो मोनोपोलाइज, भूटान को मोनोपोलाइज करके कौन सा शेयर बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक फॉल्ट लाइन है जिसको इंडिया को नर्चर नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। ये जो मोनोपोलाइज करने की टेंडेंसी है गलत है, ये इंडिया को भी समझना चाहिए, इंडिया के जो कैपिटलिस्ट हैं जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भूटान में उनको भी समझना चाहिए कि अगर सेंस ऑफ डोमिनेशन आएगा तो एक नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो उससे हमारा रिलेशन ख़राब होगा, और अगर हमारा रिलेशन ख़राब होगा तो उसका फ़ायदा चाइना उठाएगा। तो ये बात हमको समझनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल 2 है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बताया कि एक आर्टिकल 2 है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप में, और इस आर्टिकल 2 में लिखा है कि
इंडिया असिस्ट करेगा भूटान को। ठीक है कि भूटान अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें असिस्ट करेगा इंडिया भूटान को, भूटान की फॉरेन पॉलिसी में। मैंने अभी आपको बताया समझाया कल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूटान को ये रियलाइज हुआ कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो अपने एक्सटर्नल रिलेशन को खुद हैंडल कर सकता है। तो भूटान ने एक रिक्वेस्ट की अमेंडमेंट के लिए कि हम चाहते हैं कि हम ये जो हमारा ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप उसको अमेंड करें। तो इंडिया ने तुरंत ही इस अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और 2007 में इंडिया और भूटान के बीच में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इसको इस ट्रीटी को अमेंड कर दिया गया। पर साथ ही साथ जब इस ट्रीटी को अमेंड किया गया तो एक एलिमेंट और जोड़ा गया। इंडिया ने भूटान को समझाया कि जो टेररिस्ट है वो भूटान में चला जाता है और ये जो टेररिस्ट है वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो थ्रेट है ही, वो भूटान की सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि अगर टेररिस्ट भूटान में बम फोड़ेगा तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री से इम्पेक्ट होगी और आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी टूरिज्म बेस्ड है, तो आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी उससे हिलेगी। भूटान की बात समझ आई कि हाँ भाई बात तो सही है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो है, कि जो टेररिस्ट इंडिया से भूटान भागते हैं दे आर थ्रेट टू भूटान एज वेल। तो भूटान ने इस बात पर एग्री कर लिया और इंडिया और भूटान ने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन, मतलब इस ये जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इस ट्रीटी में नेशनल सिक्योरिटी का एक एंगल जोड़ लिया गया। ठीक है ये 2007 में आया, पहले नहीं था, ये 2007 में आया नेशनल सिक्योरिटी का एंगल जोड़ लिया गया। और नेशनल सिक्योरिटी के एंगल में एक एलिमेंट था टेररिज्म का, कि दोनों मिलके टेररिज्म को टैकल करेंगे इंडिया और भूटान मिलकर। दूसरा ये टेररिज्म एक बड़ा ही ब्रॉड टर्म है, और नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म दोनों ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है दूसरा ड्रग ट्रैफिकर्स को हम हैंडल करेंगे मिलके। हाँ ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हमने ये भी बात बताई थी कि भूटान ये है इंडिया भी वहीं पर है, दोनों दोनों ही कंट्रीज जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में है। गोल्डन क्रिसेंट है ये और यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, और गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों में ही ड्रग की खेती होती है, ड्रग्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और दोनों से ही गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों से ही ड्रग इंडिया और भूटान में लाया जाता है। तो ड्रग जो है एक तरीके का थ्रेट बन गया है, ये एक थ्रेट बन गया है। थ्रेट किसके लिए बन गया है? इंडिया की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, इंडिया भूटान दोनों की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने के लिए और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये चीज़ लाई गई। तीसरा चीज़ क्रिमिनल एलिमेंट को टैकल करने के लिए बोला गया। देखो टेररिज्म एक अलग चीज़ है, ठीक है टेररिज्म का पॉलिटिकल गोल होता है ना, कोई भी बंदा क्या कर, कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बम फोड़ता है वायलेंस करता है और उस वायलेंस के पीछे पॉलिटिकल गोल होता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है पॉलिटिकल। जैसे जम्मू कश्मीर में जो बम फोड़े जाते हैं वो टेररिज्म है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बम फोड़ के जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता है, तो इट इज अ पॉलिटिकल गोल। क्रिमिनल एलिमेंट एक अलग चीज होती है, क्रिमिनल एलिमेंट में पॉलिटिकल गोल नहीं होता। ठीक है क्रिमिनल एलिमेंट में पॉलिटिकल गोल नहीं होता, वो बस क्राइम करता है। कि मान लीजिए कोई माफिया है तो उसका कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, वो बस क्राइम करके पैसा कमाना चाहता है ना, कोई इलीगल एक्टिविटी करके पैसा कमाना चाहता है, कोई पॉलिटिकल गोल नहीं होता क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो वर्ड मैंने लिखे, एक टेररिज्म एक क्रिमिनल एलिमेंट, तो ऐसा मत बोलना यार दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। टेररिज्म जनरली दूसरी स्टेट एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर करती है, पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है और टेररिज्म में हमेशा एक पॉलिटिकल गोल होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ उसका पॉलिटिकल गोल था, पॉलिटिकल गोल ये था कि जम्मू कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान अपने अंदर मिलाना चाहता था, जैसा पॉलिटिकल गोल जो पाकिस्तान अचीव करना चाहता है टेररिज्म के थ्रू। तो ये बात ध्यान रखनी है, टेररिज्म में हमेशा पॉलिटिकल गोल होगा, पॉलिटिकल गोल होगा ही होगा टेररिज्म में, ये उसका बेसिक फीचर है। क्रिमिनल एलिमेंट में पॉलिटिकल गोल नहीं होता, क्रिमिनल एलिमेंट में कोई व्यक्ति कोई इलीगल काम करता है, कोई भी इलीगल काम करता है पर उसका कोई पॉलिटिकल गोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, उसने किसी के घर में चोरी कर ली, तो इलीगल काम किया, चोरी करना तो इलीगल है, बट उस चोर के चोरी करने के अंदर कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, बस वो चोरी कर रहा है,
कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है उसके पास जॉब ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसने कोई इलीगल काम किया पर उसमें कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, तो उसको कहेंगे क्रिमिनल, टेररिस्ट, टेररिस्ट नहीं कहेंगे। टेररिज्म तब होगा जब आपने कोई एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी में कोई पॉलिटिकल गोल है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और फाइनली ये जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एलिमेंट जोड़ा उसमें था इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये बड़ा ही फोरसाइट वाला पॉइंट था कि इंडिया और भूटान एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। इससे इंडिया के लिए एक दरवाज़ा खुल गया कि इंडिया भूटान में अपना इंटेलिजेंस अपरेटस लगा सकता है ना। भूटान को इंडिया पे पूरा ट्रस्ट है और भूटान ने इंडिया को तो पूरा ट्रस्ट है भूटान को इंडिया पे, इसलिए भूटान ने ये वाला पॉइंट उसमें साइन किया और इंडिया ने अपना इंटेलिजेंस अपरेटस भूटान में बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो ये फोरसाइट वाला पॉइंट है, क्यों? क्योंकि उस इंटेलिजेंस अपरेटस का यूज करके इंडिया चाइना पे नजर रख पाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा जब इंटेलिजेंस अपरेटस इंडिया भूटान में डेवलप करेगा तो एक तरीके से आगे चल के इंडिया इस साउथ साउथ एशियन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे आप अपना इंटेलिजेंस अपरेटस दूसरी कंट्रीज में फैलाना शुरू कर देते हो तो आप धीरे धीरे उस एरिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की तरफ मूव करने लगते हो और ग्रेजुअली फिर इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरफ मूव करेगा। तो एक तरीके से ये इंडिया का जो ग्लोबल पावर एम्बिशन है उसका भी पार्ट है। तो इंडिया ने एक तरीके का सिक्योरिटी टेम्पलेट भूटान में डेवलप कर लिया। ये एक एक तरीके का सिक्योरिटी टेम्पलेट है भूटान में। ठीक है, फिर इंडिया और भूटान के बीच में कमर्शियल फॉरेन पॉलिसी भी है ना। कमर्शियली भी इंडिया और भूटान एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, ये बात मैंने बताया है ना। इंडिया ने भूटान को बोला था कि हम सोशल जस्टिस को आपका सपोर्ट करते हैं, और सोशल जस्टिस तभी हो सकता है जब डेवलपमेंट होगा, बिना डेवलपमेंट के सोशल जस्टिस हो ही नहीं सकता। तो इंडिया ने भूटान को बोला कि 1960 में कि आप प्लान डेवलपमेंट कीजिए, प्लानिंग कमीशन बनाइए। इंडिया भी प्लान डेवलपमेंट कर रहा था, इंडिया यूएसएसआर से इम्प्रेस था है ना। उस समय जो लीडर्स थे उनका थोड़ा सा लीनिंग यूएसएसआर की तरफ था, जो कि अच्छी बात थी। तो इंडिया और यूएसएसआर में प्लान डेवलपमेंट चल रहा था, यूएसएसआर ने प्लान डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था तो इंडिया उसको फॉलो कर रहा था। तो इंडिया ने भूटान को भी सजेस्ट किया कि आप प्लानिंग कमीशन बनाइए, प्लान डेवलपमेंट कीजिए। तो भूटान ने इस बात को एग्री कर लिया, भूटान ने बोला हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि हम प्लान डेवलपमेंट करते हैं। तो इंडिया ने फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान भूटान के बनाने में हेल्प की, इंडिया ने हेल्प की भूटान को 5 ईयर प्लान बनाने में। फिर हमने आपको बताया कि 1971 में इंडिया ने भूटान को इंटरनेशनल यूएन मेंबरशिप लेने में भी हेल्प की, ये भी हेल्प इंडिया ने की भूटान के लिए। भूटान का ट्रेड आज की डेट में 80% ट्रेड इंडिया के साथ होता है, ठीक है, 80% ट्रेड भूटान का इंडिया के साथ है और सिर्फ 20% ट्रेड भूटान का दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ है। तो इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये बात भी हम जानते हैं। और साथ ही साथ भूटान ने ये जो 20% ट्रेड है, ये जो 20% ट्रेड है जो वर्ल्ड के साथ भूटान करता है, उसके लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस दे के रखा है इंडिया ने, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ड्यूटी फ्री एक्सेस है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक एल्ट्रिज्म का एंगल हमको देखने मिलता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक एल्ट्रिज्म का एंगल भी देखने को मिलता है। तो आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक एल्ट्रिज्म का एंगल है, ऐसा सवाल करके पूछ ले कमेंट, तो उसमें आपको ये वाला एग्जाम्पल वहाँ कोट करना पड़ेगा कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अल्टीमेटम का एंगल है। फिर हमने देखा था कि इंडिया भूटान से हाइड्रो पावर, मिनरल, वुड, ट्रेडिशनल मेडिसिन ये सब खरीदता है, और इंडिया भूटान को प्लांट एंड मशीनरी, फूड प्रोडक्ट ये सब देता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, फिर 2006 में इंडिया और भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में जब साइन हुआ तो इसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस तो भारत भूटान को दे ही रहा था, और ज़्यादा रियायतें भारत ने भूटान को दी जिससे भूटान को फ़ायदा हो, और भूटान को और ज़्यादा मतलब एक तरीके से परमिशन दी कि भूटान इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर पाए प्रोडक्ट्स का अपने कंट्री डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो भूटान इज
मैंने आपको बताया कि भूटानीज मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। अब इंडिया का जो डेवलपमेंटल जो पॉलिसी है भूटान के साथ, सोशल जस्टिस वाला पॉलिसी है भूटान के साथ, उसके 3 केजेस हैं, ये बात हमने देखी थी। ठीक है, जो डेवलपमेंटल पॉलिसी है इंडिया की भूटान के साथ, इंडिया भूटान की, उसके 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस में हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं ना। फर्स्ट फेज है 1960 से 1980, दूसरा फेज था उसका 1980 से 2000, और तीसरा फेज था 2000 से टिल टुडे। फिर जो फर्स्ट फेज था उसमें इंडिया ने, जो फर्स्ट फेज था 1960 वाला, ये फाउंडेशन फेज था इंडिया भूटान के बीच में, इसमें इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की है, मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा इंडिया ने भूटान में रोड्स बनाए, एयरफील्ड्स बनाए, इंडिया ने भूटान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडिया ने भूटान में एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की, ये सब इंडिया ने हेल्प की। फिर हमने ये बात भी देखी कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने चाइना से एक लर्निंग मिली, ये बात मैंने आपको नहीं बताई, मैं अभी बता रहा हूँ कि भूटान ने चाइना को देखा, और जब भूटान ने चाइना को देखा तो भूटान ने चाइना से एक लर्निंग ली कि भूटान चाइना में जो स्कूल एजुकेशन है वो फ्री है, चाइना में स्कूल एजुकेशन फ्री है, उस समय थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, इस मतलब स्टेट फंडेड है। तो भूटान ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया। भूटान का जो किंग था उस समय, मैंने आपको बताया कि किंग भूटान का बड़ा ही क्लोज था लोगों से, प्रो पीपल था, तो किंग ने ये चीज़ चाइना में अच्छी देखी तो उसने अडॉप्ट किया, और कहीं ना कहीं इस वजह से भूटान में एक फ्री थॉट का कल्चर शुरू हो गया जिसका फायदा भूटान को बहुत ज़्यादा हुआ, और इसमें मोनार्की ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मोनार्की ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। फिर इंडिया ने एयरफील्ड्स बनाए भूटान में, साथ ही साथ भूटान के जो लोग हैं उनको इस फेज में ट्रेनिंग भी दी, पायलट ट्रेनिंग भी दी इंडिया ने। फिर आया फेज 2, 1980 से 2000 का फेज। इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में हमने देखा कि जो भूटान का किंग है वो बड़ा ही प्रो पीपल था, भूटान का जो किंग है वो हमेशा भूटान का जो किंग है मोनार्की जो है वो प्रो पीपल है, भूटान की जो मोनार्की है वो डायलॉग और एंगेजमेंट को प्रमोट करती है, डायलॉग प्लस एंगेजमेंट को भूटान की मोनार्की प्रमोट करती है, और साथ ही साथ भूटान की जो मोनार्की है बड़ा ही प्रोग्रेसिव है, और भूटान की मोनार्की ने एक ग्राउंड डेवलप किया डिप्लोमेसी का, ग्राउंड डेवलप किया डेमोक्रेसी का। मतलब ये है कि भूटान की जो मोनार्की है वो वॉलंटरली ये चाहती थी कि भूटान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ये बड़ा ही यूनिक चीज़ था पूरी दुनिया में, इकलौता कि एक किंग चाहता है कि उसकी कंट्री डेमोक्रेटिक बने, किंग खुद चाहता है, बहुत बड़ी बात है। तो भूटान की जो मोनार्की है उसने जो सेकेंड फेज है 1980 से 2000 का जो फेज है, इसमें भूटान की मोनार्की इंडिया के पास आई, और इंडिया के पास आके भूटान की मोनार्की ने कहा कि हम जो है डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, भूटान की मोनार्की ने कहा, बहुत बड़ी बात है। भूटान का किंग आया भारत के पास, उसने भारत से बोला कि हम जो है डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम डेमोक्रेटिक कैसे बन पाए। तो इंडिया ने बोला बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इंडिया के कुछ ऑफिसर्स को भूटान भेजा गया, एमपीस को, एमएलएस को, और इलेक्शन कमीशन वगैरह के ऑफिसर्स को भूटान भेजा गया। इंडिया ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए भूटान के साथ, इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प की भूटान को, और साथ ही साथ इंडिया ने भूटान से बोला कि आप अपना खुद का मॉडल इवॉल्व कीजिए। इंडिया ने बोला कि हम अपना मॉडल इम्पोज नहीं करेंगे, हम अपना मॉडल इम्पोज नहीं करेंगे। यही फर्क है इंडिया में और यूएस में, यूएस अपना मॉडल इम्पोज करता है, इंडिया ने बोला नहीं हम अपना मॉडल इम्पोज नहीं करेंगे, आप अपना खुद का मॉडल इवॉल्व कीजिए जो आपको सूट करे, हम डेमोक्रेसी किसी कंट्री पे इम्पोज नहीं करते।
कंट्री चाहे जैसी भी हो, डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, हम सभी कंट्रीज के साथ इक्वालिटी के बेसिस पे एंगेज करते हैं। हम ये बिलीव नहीं करते कि जैसा हम सोचे वैसा ही दूसरा सामने वाला सोचे, ऐसा हमारा बिलीफ नहीं है। तो इंडिया ने भूटान को इस तरीके से डेमोक्रेसी को लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हेल्प किया इंडिया ने। बड़ी बात हमको ध्यान रखना है कि इंडिया ने कभी भी डेमोक्रेसी को इम्पोज नहीं किया। इंडिया ने भूटान को बोला कि आप अपना खुद का मॉडल इवॉल्व कीजिए। इंडिया ने अपना मॉडल, अपना डेमोक्रेटिक मॉडल भूटान को, भूटान के ऊपर इम्पोज नहीं किया। इंडिया ने भूटान की कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसको हेल्प की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और आज की डेट में भूटान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और भूटान में डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी प्लस मोनार्की दोनों हैं भूटान में। दोनों ही क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं आज की डेट में। ठीक है, 1980 से 2000 के बीच में इंडिया के ऑफिशियल्स भूटान गए थे, साथ ही साथ भूटान के ऑफिशियल्स भी इंडिया आए थे। उन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट को देखा, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को देखा, इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है उसको देखा, ये सब चीज़ों को देखा और उससे लर्निंग ली। तो एक तरीके की भूटान ने जो डेमोक्रेसी ली वो एक तरीके की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी। इन भूटान ने एक लर्निंग ली इंडिया के एक्सपीरियंस से, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी भूटान की। भूटान ने इंडिया से सीखा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कह सकते हैं इसको। मतलब भूटान ने इंडिया की डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व किया कि इंडिया की पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में कैसे काम होता है ना, किस पोस्ट के लोग, मतलब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, कितनी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, है ना, ऑफिसर्स का क्या काम है, कैसे काम है, कैसा सिस्टम है, सब कुछ देखा भूटान ने। तो ऑब्जर्व किया इंडिया को, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की वजह से भूटान ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे भाई साहब, इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करा दिया कि आपके माइंड में एकदम से फ्रेश हो जाए। अब हम फेज 3 पे आते हैं, ये हम अब शुरू करेंगे। फेज 3 यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा था। पुराना टॉपिक मैंने बहुत फास्ट कोशिश की, फिर भी टाइम लग गया, 40-45 मिनट लग गया। बहुत फास्ट मैंने कोशिश की रिवाइंड कराने की, बट फिर भी टाइम लग गया। पर ज़रूरी था रिवाइंड कराना, एक तरीके से माइंड में रिवाइंड हो जाता है तो याद हो जाता है। खैर, अब हम फेज 3 पढ़ते हैं। फेज 3 इंडिया भूटान रिलेशन का, ये जो फेज 3 था ये 2000 में शुरू हुआ और टिल नाउ अभी तक चल रहा है। इस पीरियड में इंडिया भूटान के बीच में क्या हुआ ये हमको समझना है। तो 2000 के बाद इंडिया का जो असिस्टेंस था, जो भूटान को इंडिया दे रहा था अलग अलग फील्ड्स में, वो डाइवर्सिफाई हो गया। ठीक है, इंडिया भूटान को जो असिस्टेंस दे रहा था वो डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई कैसे हुआ, इंडिया भूटान को हाइड्रो पावर में असिस्टेंस देने लगा, इंडिया भूटान को हायर एजुकेशन में असिस्टेंस देने लगा। देखो, भूटान के लोग पहले ही इंडिया पढ़ने आते थे, पर 2000 के बाद इंडिया ने क्या किया, भूटान के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करनी शुरू की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया ने भूटान को स्किल डेवलपमेंट करना शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करना शुरू किया। इंडिया ने भूटान को बोला कि आपके यहाँ का यूथ अनस्किल रहेगा तो अनएम्प्लॉयड रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यूथ, तो उसको स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो इंडिया ने उसमें असिस्टेंस देना शुरू किया भूटान को। फिर उसके बाद इंडिया ने भूटान को आईटी सर्विसेज में असिस्टेंस दिया। इंडिया का आईटी सेक्टर हम जानते हैं बहुत डेवलप्ड है, इनफैक्ट दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर इंडिया के पास ही है। तो इंडिया ने भूटान को आईटी सर्विसेज दी। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चाहिए होता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने के लिए, वो सब इंडिया ने भूटान को प्रोवाइड करना शुरू किया उसमें एक, है ना। दूसरा, चौथा, पांचवा, इंडिया ने भूटान को R&D में हेल्प किया। इंडिया ने भूटान से बोला कि R&D करना बड़ा ज़रूरी है अलग अलग फील्ड्स में, तो उसमें इंडिया ने भूटान की हेल्प करनी शुरू की, इंडिया को असिस्टेंस देना शुरू किया, भूटान के साथ वर्क करना शुरू किया। और फाइनली इंडिया ने भूटान में को कंस्ट्रक्शन में असिस्टेंस दिया। हम जानते हैं ये बात कि भूटान का जो टेरेन है बड़ा ही डिफिकल्ट है, हिली कंट्री है भूटान, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना उतना आसान नहीं होता, तो उसमें इंडिया ने भूटान की हेल्प की। ठीक है,
अब इंडिया और भूटान के जो रिलेशन हैं उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल फैक्टर आता है, वो है बांग्लादेश सरकार। ये हमको समझना है कि ये क्या है। इंडिया भूटान के बीच में बांग्लादेश फैक्टर क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये भूटान है, यहाँ नीचे इंडिया है, यहाँ बांग्लादेश है। भूटान में पॉपुलेशन कम है, और भूटान की जब टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होने लगी और भूटान में टूरिज्म बढ़ने लगा तो भूटान में जॉब्स बढ़ने लगी। धीरे धीरे भूटान में जॉब्स बढ़ने लगे, और हम जानते हैं कि बांग्लादेश जो है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था से 10-20 साल पहले, तो और बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, तो बांग्लादेश के लोगों को दिखा कि यार भूटान में जॉब्स हैं, छोटी छोटी जॉब्स, टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स, मीनियल मतलब है ना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं भूटान में, डेवलप हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं जॉब्स। ये बांग्लादेश के लोगों को दिखा, तो हुआ क्या, बांग्लादेश के लोग भूटान जाने लगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में काम करने के लिए। टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने के लिए बांग्लादेश के लोग भूटान जाने लगे। साथ ही साथ बांग्लादेश के लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करने लगे भूटान में। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया ने बहुत बड़ी मात्रा में भूटान में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ इंडिया भूटान को असिस्टेंस दे रहा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी। तो जब ये इंडिया कर रहा था तो भूटान में जॉब्स बढ़ रही थी। ऑब्वियसली बात है, जब किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी वहाँ पे। तो ये चीज़ हो रही थी, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा था भूटान में। इंडिया क्या कर रहा था? इन्वेस्ट कर रहा था, और इन्वेस्ट करने की वजह से जॉब्स बढ़ रही थी, और उस जॉब्स को देख के जो बांग्लादेशी पीपल हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे। बांग्लादेशी लोग वहाँ पे आने लगे भूटान में, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने के लिए। और सिर्फ काम करने के लिए नहीं आने लगे, हाँ काम करने के लिए आने लगे। तो अब एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि भूटान में एक ऐसी सिचुएशन, अब ध्यान से सुनना, भूटान में क्या हुआ समझो। भूटान में कैपिटल जो था वो इंडिया प्लस भूटान का था, मतलब इंडिया का पैसा और भूटान के इंडस्ट्रीज का पैसा, भूटान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर इसमें लग रहा था, और जो लेबर था वो बांग्लादेश का था। क्यों भाई? सीधी सी बात है, बांग्लादेश का लेबर एक दूसरी कंट्री में आया है, बांग्लादेश का लेबर अपना कंट्री छोड़ के एक दूसरी कंट्री में आया है, तो वहाँ के वो नखरे दिखाएगा कि जो उसको काम मिलेगा वो करने को तैयार हो जाएगा। आप मान लीजिए, इमेजिन करिए, आप यूएस जाते हैं तो वहाँ जाके नखरे दिखाएंगे कि वहाँ पे जो काम मिलेगा, जितने पैसे में मिलेगा, करने को तैयार हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, आप दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ नखरे थोड़ी दिखाओगे। मान लीजिए आप यूएस गए और यूएस में कोई एक्स काम करने का, एक यूएस का पर्सन 100 रुपया लेता है। मान लीजिए कि यूएस का कोई आदमी है, यूएस सिटीजन है, वो एक्स काम करने के लिए 100 रुपये लेता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि ठीक है, मैं यही एक्स काम 80 में कर देता हूँ। वहाँ नखरे थोड़ी दिखाओगे, ये नखरे तो इंडिया में दिखा सकते हो आप, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट इंडिया में है। वहाँ नखरे दिखाओगे 2 मिनट में बाहर कर देंगे लात मार के। जब भी कोई एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कम्पीट करना चाहता है, और वो दूसरी कंट्री वहाँ ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखा सकता। वो एक बट नेचुरल चीज़ है, बट नेचुरल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, नेचुरल सी चीज़ है। अब अपने आप को इमेजिन करिए कि आप यूएस में गए हैं तो वहाँ पे आप कैसा बिहेव करेंगे। तो बांग्लादेश के लोग भूटान आए काम करने के लिए, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने के लिए आए, और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने एक तरीके का चीप लेबर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, चीप लेबर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया।
कम पैसे पे काम करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन बांग्लादेशी लोगों को हायर कर लिया। क्योंकि ये बांग्लादेशी लेबर चीप था, सस्ता था, यह हुआ हुआ कि नहीं हुआ। तो बांग्लादेशी लेबर चीप था, सस्ता था, तो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उसको हायर कर लिया। अब आप इस पूरे सिनेरियो में सोचो कि थोड़ा बहुत फायदा भूटान के कैपिटलिस्ट को मिला, थोड़ा बहुत, और मेजर फायदा किसको मिला? इंडिया को मिला, इंडिया के इन्वेस्टर्स को मिला क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और बांग्लादेशीज को मिला क्योंकि उनको वहां जॉब मिला है। भूटान के कौन पीपल को क्या मिला, मैं आपसे ये सवाल पूछूं? इस पूरी सिचुएशन में भूटान के कॉमन पीपल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा। जॉब पकड़ ली बांग्लादेशी लोगों ने, इन्वेस्टमेंट था इंडिया का, तो जो प्रॉफिट हुआ वो इंडिया आ गया। भूटान के लोगों को, भूटान के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको थोड़ा बहुत मिला। तो ये एक बन गया इरिटेंट इंडिया भूटान रिलेशन में। हाँ, भूटान के लोगों को ये लगने लगा कि आप हमारे यहाँ आके, हमारे यहाँ के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जॉब खा रहे हैं और हमारा पैसा अपने यहाँ ले जा रहे हैं। इरिटेट बनना शुरू हो गया इंडिया भूटान के रिलेशन में, क्योंकि भूटानीज जो लोकल भूटानीज थे उनको इन सेक्टर्स में कोई फायदा नहीं मिल रहा था। तो ये एक इरिटेंट बनने लगा, और एक तरीके अभी ये फॉल्ट लाइन नहीं बना है पर ये फ्यूचर में फॉल्ट लाइन बन सकता है। तो इंडिया को ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि भूटानीज, भूटानी कॉमन पीपल जो है उनको हमारे इन्वेस्टमेंट से फायदा हो। इंडिया को अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भूटान के अलग अलग सेक्टर्स में, उनको, इंडिया को ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप भूटानीज पीपल को हायर कीजिए, भले 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ जाए। क्योंकि अगर वो लोग इरिटेट होंगे तो वो एंटी इंडिया हो जाएंगे, एंटी इंडिया हो जाएंगे तो चाइना को मौका मिल जाएगा उससे लिवरेज करने का। तो ये एक इरिटेंट है भूटान इंडिया के बीच में, इरिटेंट इंडिया भूटान के बीच में एक इरिटेंट है। इस इरिटेंट को इंडिया को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा कि बांग्लादेश का इंटरेस्ट भूटान में है, ये बात हमने समझा। तो बांग्लादेश का एंगल भूटान में है, तो जो बांग्लादेश है उसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है भूटान में, ये हमने देख लिया कि बांग्लादेश के लोग भूटान जाते हैं, भूटान में जाकर जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है भूटान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश का। दूसरा और है इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट ये है कि बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी है तो बांग्लादेश को हाइड्रो पावर चाहिए। हाइड्रो पावर चाहिए बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश का दूसरा इंटरेस्ट है भूटान में कि बांग्लादेश को हाइड्रो पावर चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि जब कोई कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपकी कंट्री में ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। आप फैक्ट्रीज लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी 2000 के बाद में, तो बांग्लादेश की जो हाइड्रो पावर की नीड है वो बढ़ने लगी, वो बढ़ने लगी बांग्लादेश की हाइड्रो पावर कहीं। अब इसी पीरियड में 2000 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद भूटान जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन गया, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन गया। तो बांग्लादेश ने भूटान से बोला कि हमको भेज दो इलेक्ट्रिसिटी, हमको दे दो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप समझिए, ये भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, बीच में इंडिया है। तो अगर भूटान से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इंडिया को क्रॉस करके जाएगी, अगर भूटान से बांग्लादेश को में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इंडिया को क्रॉस करके जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? लॉजिकल बात है। इंडिया ने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंडिया ने बोला ना हम नहीं होने देंगे ऐसा। ऐसा इंडिया ने क्यों बोला ये समझो, यहाँ पर एक एरिया है जिसको कहते हैं चिकन स्नेक, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये चाइना का है, ये इंडिया है,
अब यहाँ चाइना चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना आर्मामेंट कर रहा है। और चाइना यहाँ आर्मामेंट इसलिए कर रहा है कि कभी भी इंडिया चाइना का वॉर होगा तो यहाँ पे जितने भी इंडिया के ट्रूप्स होंगे या जहाँ भी यहाँ जितना भी इंडिया का डिप्लॉयमेंट होगा उसको आसानी से बॉम्ब कर पाएगा चाइना। तो ये एक तरीके का इंडिया को थ्रेट है चाइना से इस चिकन स्नैक में। तो इंडिया ने बांग्लादेश से बोला कि यार थोड़ा अपना एरिया में यहाँ हमें डेवलपमेंट कर लेने दूर चाइना से, जिसमें चाइना यहाँ से हमको बॉम्ब करके हमको हार्म ना कर पाए। बांग्लादेश ने मना कर दिया, बांग्लादेश ने बोला हम ये नहीं होने देंगे। तो इंडिया ने बोला ठीक है हमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेने देंगे। तो इंडिया ने बोल दिया हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। तो बांग्लादेश भूटान से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद पाए इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मामला हम समझते हैं हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी में, कि इलेक्ट्रिसिटी भूटान के पास कैसे आई, भूटान के पास ये 70% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई और इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ, ये हम समझते हैं। पर अभी आप ये समझिए कि भूटान को, बांग्लादेश को भूटान से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, पर वो इलेक्ट्रिसिटी अगर बांग्लादेश तक पहुँचाना है तो वो इंडिया से पास होगी, और इंडिया से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इंडिया ने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया वो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है चिकन स्नैक में, है ना। चिकन स्नैक एक एरिया है इंडिया का, है ना। जैसे ये भूटान है, ये नेपाल है, यहाँ पे चिकन स्नैक का एरिया है, यहाँ पे चिकन स्नैक का एरिया है सर। यहाँ ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया सिक्किम के नीचे वाला एरिया, ये चिकन स्नैक कहते हैं इसको, क्योंकि बहुत पतला सा एरिया है ना, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से चाइना आसानी से हमारे ट्रूप्स को और हमारा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसको हार्म कर सकता है। तो इसलिए इंडिया ने बोला था बांग्लादेश से कि आप हमको थोड़ा सा अलाउ कर दो कि हम यहाँ पे अपना थोड़ा सिक्योरिटी ट्रूप वगैरह कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा पाएं। भूटान ने, बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो इंडिया ने बोला ठीक है हम आपको भूटान से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेने देंगे। तो ये वाला इशू चल रहा है, मतलब ये वाला एक छोटा सा एक इरिटेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अब हमको समझनी है हाइड्रो डिप्लोमेसी, ये क्या क्या है ये हमको समझनी है। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि भूटान एक अपर राइपेरियन स्टेट है, अपर राइपेरियन स्टेट है भूटान। अभी अपर राइपेरियन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक कंट्री ए है और ये एक दूसरी कंट्री बी है। ए कंट्री से ओरिजिनेट होके एक रिवर बी के थ्रू बी में जा रही है, ये एक रिवर है, तो ए से होके बी में जा रही है, तो ए को कहेंगे अपर राइपेरियन स्टेट और इसको कहते हैं लोअर राइपेरियन स्टेट, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, अपर राइपेरियन स्टेट इसलिए कहते हैं, या अपर राइपेरियन के मायने क्या है ये समझिए। ए से होके बी में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ए में इस रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, इस रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, तो ए में इस रिवर को एक्सप्लॉइट करने की पोटेंशियल ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना है आपको, ए से बी में रिवर जा रही है, ऑब्वियस सी बात है ए में इस रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, ए में इस रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ए में इस रिवर की पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब कभी भी आप सोच सुनो ना कि ये वाली कंट्री अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब ये डायरेक्टली समझ जाना कि अच्छा, वहां पे एक रिवर जा रही होगी, उस रिवर की स्पीड ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल ज्यादा है, ये आपके दिमाग में बाई डिफॉल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि भूटान ऐसा है, यहाँ भूटान है ऊपर या नीचे इंडिया है, और भूटान से कई सारे रिवर्स इंडिया की तरफ आती हैं, ऐसे बहुत सारे रिवर्स आते हैं इंडिया की तरफ, भूटान से इंडिया की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स आते हैं। ये भूटान है, ये इंडिया है। तो भूटान जो है एक अपर राइपेरियन स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब हो गया कि भूटान में पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लॉइट ज्यादा है, पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लॉइट ज्यादा है भूटान में,
ठीक है, तो कई सारी ऐसी रिवर्स हैं जो भूटान में इमर्ज करती हैं, वो इंडिया आती हैं, इंडिया से बांग्लादेश जाती हैं और बांग्लादेश से सी में चली जाती हैं, भूटान से इंडिया आती हैं, इंडिया से बांग्लादेश जाती हैं, बांग्लादेश के थ्रू सी में चली जाती हैं, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं भूटान में। और दूसरा चीज़ ये है कि भूटान में हिमालयाज हैं, भूटान यहाँ पे भूटान में ऊपर की तरफ यहाँ हिमालयाज हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए एक क्लाउड आ रहा है सर, क्लाउड, ये क्लाउड आ रहा है, ये क्लाउड इस पर्वत की तरफ आ रहा है। अब पर्वत क्या है, इस क्लाउड को जाने नहीं देगा, क्रॉस करने नहीं देगा, तो क्लाउड क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही ये क्लाउड ऊपर की तरफ उठने लगेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद यहाँ पर उसका ड्यू पॉइंट आ जाएगा क्लाउड का, और ड्यू पॉइंट जैसे ही आएगा तो वो क्लाउड यहाँ पे बारिश कर देगा। अगर ये पर्वत ना होता तो क्लाउड सीधा निकल जाता है, कोई बारिश नहीं होती, बट पर्वत होने से क्या होता है, वो बादल वहां रुक जाता है, और बादल जब वहां रुक जाता है, वो बादल ऊपर की तरफ उठता है, और हम जानते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। तो जब ये क्लाउड ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ जब उठेगा तो टेम्परेचर फॉल होगा एटमोसफियर का, तो इस क्लाउड का ड्यू पॉइंट आ जाएगा, और जब इस क्लाउड का ड्यू पॉइंट आ जाएगा तो ये क्लाउड क्या करेगा, यहाँ बरसात कर देगा, तो यहाँ पे जितने भी एरियाज होंगे ना, वहाँ भारी बरसात होगी। भारी बरसात होगी, ठीक है, इस पूरे एरिया में हैवी रेनफॉल होगा, भारी बरसात होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी में सीखते हैं, तो इसको कहते हैं रेन फीड एरिया। और ये जो अपोजिट वाला एरिया है, यहाँ पे कोई बरसात होगी, नो रेन, यहाँ हैवी रेन होगी, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं रेन शेडो एरिया। अब आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ भाई, रेन शेडो एरिया, रेन फेड एरिया हमने पढ़ा है। तो भूटान में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यही सेम सिचुएशन भूटान में भी है। तो भूटान ऐसा है, यहाँ पर, यहाँ ऊपर की तरफ हिमालयाज हैं, अब यहाँ से नीचे से इंडिया की तरफ से ऐसे यहाँ से बहुत सारे बादल जाते हैं, ऐसे ये बादल बना देता हूँ, बादल यहाँ से जाते हैं भूटान की तरफ, और भूटान जो है रेन फीड एरिया में लाई करता है, तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, यहाँ इस एरिया में बहुत बारिश होती है भूटान में, तो भूटान में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। वो हैवी रेनफॉल क्यों होती है, वो मैंने बता दिया, बिकॉज भूटान लाइज इन रेन फीड एरिया। तो अगर आप रेन फीड एरिया लिख दोगे तो ये एक शब्द से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वहाँ बादल, वहाँ बहुत सारे हिमालय से बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ के पास जब उन पहाड़ से क्लाउड टकराता है तो क्लाउड ऊपर की तरफ राइज करता है, तो जैसे ही क्लाउड ऊपर की तरफ राइज करता है तो टेम्परेचर गिरने की वजह से क्लाउड का ड्यू पॉइंट आ जाता है, और ड्यू पॉइंट आने की वजह से बरसात हो जाती है। तो भूटान में हैवी रेन होती है, और हैवी रेन होने की वजह से तो भूटान में हमने ये बात देखी कि भूटान रेन फीड एरिया में लाई करता है, ये बात हमने देखी, और रेन फीड एरिया में लाई करने की वजह से यहाँ पर हैवी रेन्स होती हैं। और सीधी सी बात है, किसी कंट्री में अगर हैवी रेन्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ बहुत सारी रिवर्स इमर्ज करेंगी, बहुत लॉजिक बात है कि कहीं बहुत हैवी रेनफॉल होगी तो वहाँ पर हैवी रिवर्स इमर्ज करेंगे, मतलब बहुत सारी रिवर्स इमर्ज करेंगी। और एक और ब्यूटी है, ये जो रिवर्स इमर्ज करेंगी वो पेरिनियल होंगी, पेरिनियल की PERENNIAL, पेरिनियल, ठीक है, रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स होंगी। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है वो रिवर्स जो साल भर बहती है, वो रिवर्स जिसमें पानी साल भर रहता है, उसको कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। और वो रिवर्स जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, जो एक फिक्स कुछ मंथ में जिसमें पानी पर्याप्त रहता है, बाकी फिर वो सूख जाती है, और उसको कहते हैं सीजनल रिवर्स। तो बांग्लादेश में कई सारी रिवर्स इमर्ज करती हैं, और वो रिवर्स पेरिनियल है। तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि बांग्लादेश, भूटान में हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपकी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स बह रही हैं,
और वो रिवर साल भर बह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंट्री में हाइड्रो पावर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा, हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा आपकी कंट्री में, क्योंकि आपके पास रिवर है जो कि साल भर बह रही है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये बात इंडिया ने देखी, ये बात इंडिया ने देखी कि भाई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी माई माई फॉल्ट, भूटान। इंडिया ने ये बात देखी कि भूटान तो भाई साहब बड़ा अच्छी, भूटान के पास तो बड़ा अच्छा एडवांटेज है, भूटान के पास पेरिनियल रिवर्स है और भूटान के पास बहुत सारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। तो इंडिया 1960 में भूटान के पास गया और इंडिया ने भूटान को बात समझाई कि देखो यार तुम्हारे पास तो बढ़िया मजेदार चीज है, तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं करते? तो भूटान ने मना कर दिया, भूटान ने बोला नहीं हम ये हाइड्रो पावर नहीं लेंगे। तो इंडिया ने बोला क्यों? भूटान ने बोला अगर हम हाइड्रो पावर बनाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट हार्म होगा, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम ये नहीं बनाना चाहते, हम ये हाइड्रो पावर नहीं बनाना चाहते। तो भूटान ने मना कर दिया, हम हाइड्रो पावर नहीं बनाएंगे। पर भूटान में उस समय पर बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बिजली जाती थी। तो भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी, भूटान ने बोला यार ये हाइड्रो पावर वाला आइडिया छोड़ दो, ये हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा वैल्यू है नेचर को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा वैल्यू है, तो आप हमको कोई और दूसरा अल्टरनेटिव बता दो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, ये हाइड्रो पावर वाला काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हम अपने नेचर को वैल्यू करते हैं। और भूटान का टेरेन भी बड़ा ही ऐसा है कि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना डिफिकल्ट है, ठीक है? और आपको ये बात आपने पढ़ी होगी डिजास्टर मैनेजमेंट में कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने से एक तरीके का लैंड स्लाइड का खतरा बन जा बढ़ जाता है, लैंड स्लाइड्स का और ये फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है, ये बात आपने पढ़ी होगी। तो भूटान ने बोला यार ये हाइड्रो पावर नहीं चाहिए हमको, आप कुछ और हमें सोल्यूशन दे दो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इंडिया ने बोला ठीक है आप हमसे एक काम करो, डीजल सेट ले लो, डीजल सेट ले लो। 1950 में जब भूटान ने ये मना कर दिया तो इंडिया ने बोला आप हमसे डीजल सेट ले लो, डीजल सेट से पावर जनरेट करो। तो भूटान ने डीजल सेट से लिए, इंडिया ने भूटान को डीजल सेट दिए। पर दिक्कत क्या है कि डीजल सेट से आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि डीजल सेट से पॉल्यूशन होता है, साउंड एंड एयर पॉल्यूशन होता है। तो भूटान जब डीजल सेट लेके गया, भूटान ने वहाँ जलाए डीजल सेट और अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू की, तो भूटान ने देखा बड़ा साउंड पोल्यूशन, बड़ा एयर पोल्यूशन हो रहा था, भूटान में धुआं धुआं हो रहा था। तो भूटान के लोगों को परेशानी हो गई, क्योंकि उनकी मैंने बताया वैल्यू है, वो अपने एनवायरमेंट को और नेचर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ये बहुत अच्छी वैल्यू है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आज बताई थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो 1960s में जब ये हुआ तो दोबारा भूटान इंडिया के पास आया, भूटान ने इंडिया से बोला यार ये जो आपने डीजल सेट दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी तो हमको मिल गई पर यार हम कुछ नहीं है। तो इंडिया ने पूछा क्यों कुछ नहीं? तो उन्होंने बताया कि यार साउंड और एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, हमको पसंद नहीं है सब। तो इंडिया ने बोला अब एक काम करो, हम तुमको बंगाल से इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। तो बंगाल में एक प्लांट है जिसका नाम है जल ढाका प्लांट, ये नाम याद रखना है आपको, JALDAKA। ये एक जल ढाका प्लांट है। इस प्लांट से इंडिया ने बोला कि आपको हम केबल डाल देते हैं, आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तो ये भूटान है, ये बंगाल है, यहाँ पे जल ढाका प्लांट है कहीं पे, तो यहाँ से भूटान को इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई। अब ये वाला जो सॉल्यूशन था ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली था भूटान के लिए ना, भूटान के लिए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन था, ठीक है? फिर क्या हुआ, 1960s में जल ढाका प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो गई भूटान को, जल ढाका प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो गई भूटान को। अब धीरे धीरे समय बीता, समय जब आगे बढ़ा तो भूटान की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ने लगी, और जब भूटान की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ने लगी तो इंडिया ये जल ढाका प्लांट से भूटान की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने 1980s में भूटान से बोला, फिर से वही बात बोली कि आप भाई अपर राइपेरियन स्टेट हो, आपके पास पेरिनियल रिवर्स हैं,
आपके पास अच्छा मानसून होता है, तो भैया आप सेल्फ डेवलपमेंट क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? हम आपको कब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आप हम पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे? ये इंडिया ने बोली भूटान को, तो भूटान मान गया। भूटान ने बोला यार बात तो तुम कह तो ठीक रहे हो, तो भूटान ने बोला कि चलो ठीक है हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं। पहले तो भूटान ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, भूटान ने बोला ना हम हाइड्रो पावर लगाएंगे ही नहीं क्योंकि उससे एनवायरमेंट को हार्म होता है। पर 1980s में भूटान की जब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया तो इंडिया ने यह बात भूटान को दोबारा बोली कि भैया आप अपर रायपरिन स्टेट हो, पेरिनियल हो, पेरिनियल रिवर्स है, मानसून अच्छा होता है, बनाओ इलेक्ट्रिसिटी, हम पर डिपेंडेंट हो, हम कब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे? तो भूटान ने बोला कि ठीक है हम सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट लगाएंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लगाएंगे क्योंकि हमारा जो एरिया है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक आने के खतरा बढ़ जाएगा। तो इंडिया ने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको छोटा टेक्नोलॉजी देते हैं, आपको बड़े नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, हम आपको छोटे छोटे प्लांट देंगे जिसमें आपका जो एनवायरमेंट है उसको कम से कम हार्म हो। तो 1989 में इंडिया ने भूटान को हेल्प किया एक चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने में। नाम इसका चुका, चुका, चुका। ये 33 मेगावाट का प्लांट है, कैपिटल है, 33 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है। तो ये 1989 में पहला पावर प्लांट था जो इंडिया ने हेल्प की चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने में भूटान को, और इससे भूटान की जो पावर नीड्स है वो फुलफिल होने लगी। तो आपने देखा कि 1960s में भूटान इंपोर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, 1989 आते आते 1989 आते आते वो सेल्फ डेवलपमेंट पे आ गया, सेल्फ डेवलपमेंट पे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये वाला जो प्रोसेस है ये चलता रहा डेवलपमेंट का, और भूटान आगे चल के एक एक्सपोर्टर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक तरीके से इंडिया ने भूटान को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक की जर्नी में हेल्प की, बहुत बड़ी हेल्प थी ये भूटान के लिए। तो पहले इंडिया ने चूका प्लांट बनाने में हेल्प की, उसके बाद इंडिया ने एक दूसरा प्लांट बनाने में हेल्प की, उसका नाम था कुरीचू। फिर उसके बाद एक और प्लांट ताला हेल्प बनाने में हेल्प की, ऐसे बहुत सारे प्लांट बनाने में हेल्प की इंडिया ने। तो ये सब प्लांट बनाने में इंडिया ने भूटान की हेल्प की 1987 से लेके 2007 के बीच में। ठीक है, तो ये तीन पावर प्लांट के नाम आपको याद रखना है, 1987 से लेके 2007 के बीच में तीन प्लांट पावर प्लांट बनाने में इंडिया ने हेल्प की भूटान में। ये स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे, इनके नाम आपको याद रखना है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, चूका पावर प्लांट, दूसरा है कुरीचू और तीसरा है ताला। ये तीन पावर प्लांट बनाने में हेल्प की। ठीक, फिर क्या हुआ, 2007 आया, 2007 तक भूटान जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, और भूटान अब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्टर बन गया। भूटान एक्सपोर्टर बन गया, 1916 में भूटान इंपोर्ट कर रहा था, 1989 तक सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया भूटान ने, और 2007 तक भूटान एक्सपोर्टर बन गया इंडिया के हेल्प से। 2007 से लेके 12 तक, अब भूटान, अच्छा अब क्या हुआ, अब भूटान आया इंडिया के पास दोबारा, इंडिया के पास दोबारा भूटान आया। भूटान ने बोला कि इंडिया को कि हमारे पास सरप्लस है इलेक्ट्रिसिटी का, सरप्लस है। और उस समय पर वो बांग्लादेश वाला, मैंने आपको इंग्लिश बता ही दिया कि बांग्लादेश भूटान से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहता था, पर इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं पास होने देंगे। उसका कारण भी मैंने बता दिया कि बांग्लादेश ने इंडिया को कोऑपरेट करने से मना कर दिया कि चाइना इंडिया के लिए थ्रेट है, और उसको मिटिगेट करने के लिए बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया चिकन स्नैक में। इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मना कर दिया। तो भूटान इंडिया के पास आया,
भूटान इंडिया से बोला कि यार हमारे पास सरप्लस है इलेक्ट्रिसिटी का, अब हम क्या करें इसका, हमारा जो डोमेस्टिक नीड है उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2007 से लेके 12 के बीच में इंडिया ने भूटान से बोला कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी हम ले लेंगे। इंडिया का जो उस समय नॉर्थ ईस्ट था, उसमें उसका जो नॉर्थ ईस्ट ग्रिड था वो ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्टेड नहीं था, इस पे काम चल रहा था उस समय, डेवलप हो रही थी ग्रिड, पूरा काम हुआ नहीं था, काम वर्किंग प्रोग्रेस था। तो नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए आज की डेट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्टेड है, तो उतनी प्रॉब्लम अब इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बट उस समय थी, आज से 10 साल पहले थी प्रॉब्लम, 10-15 साल पहले प्रॉब्लम थी। तो 2007 में जब भूटान इंडिया के पास आया तो इंडिया ने बोला कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। तो इंडिया ने भूटान से बोला कि आप हमको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, हम आपसे परचेज कर लेंगे, और हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ ईस्ट के लिए परचेज कर लेंगे, इससे आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगा और आप उससे इंपोर्ट कर पाओगे। मतलब इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, भूटान को फॉरेन करेंसी मिल गई जिससे वो इंपोर्ट कर पाएगा, तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। मतलब भूटान की प्रॉब्लम भी मिटिगेट हो गई, इंडिया की प्रॉब्लम भी मिटिगेट हो गई। तो 2007 से लेकर 2012 तक इंडिया ने भूटान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज की, और इलेक्ट्रिसिटी परचेज करके नॉर्थ ईस्ट का जो डिमांड था उसको फुलफिल किया। अब क्या हुआ, अब 2013 से क्या हुआ, 2013 आते आते इंडिया का जो ग्रिड था नॉर्थ ईस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वो ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्ट हो गया, जो काम चल रहा था वो पूरा हो गया। और ऑब्वियसली बात है, जब नॉर्थ ईस्ट का ग्रिड ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्ट हो गया तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो इंडिया के दूसरे हिस्सों से मीट होने लगी। ग्रिड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्रिड है, ठीक है, मान लीजिए एक एक शहर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवा है, ये पांचवा पावर प्लांट, छठवा, आठवा, नौवा, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट हैं, इसके बीच में बहुत सारे शहर हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला जो पावर प्लांट है इसका प्रोडक्शन कम हो गया किसी वजह से, या यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई, या तो यहाँ का प्रोडक्शन कम हो गया या डिमांड ज़्यादा हो गई, तो होगा क्या, दूसरी जगह कहीं सरप्लस है तो वहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी जगह से ट्रांसफर कर दी जाएगी और यहाँ की डिमांड को मीट कर दिया जाएगा। तो ग्रिड का ये फायदा होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट पे, एक एरिया पे, एक स्टेट में मान लो अचानक से प्रोडक्शन कम हो जाए या वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तो दूसरे एरिया से, दूसरे स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में ले जाकर वहाँ का डिमांड फुलफिल किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं होता। भैया मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो जाएगी ना। तो उससे बेटर ये है कि मान लीजिए कहीं पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रिसिटी की, कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको फिल कर दो। इसलिए ग्रिड डेवलप की जाती है, इसलिए ग्रिड बनाई जाती है, ये लॉजिक ग्रिड का। आपके मन में क्वेश्चन कभी उठा होगा कि भैया ऑल इंडिया ग्रिड क्यों बना रहे हैं, ऑल इंडिया ग्रिड पे खर्चा क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक किसी एक पार्ट ऑफ इंडिया पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो वहाँ दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाए। तो 2013 में क्या हुआ, 2013 आते आते ये जो ग्रिड को लिंक करने का काम चल रहा था भारत में वो पूरा हो गया। 2013 में ये ग्रिड का काम पूरा हो गया, ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट, ऑल इंडिया ग्रिड से नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्थ ईस्ट में जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नॉर्थ ईस्ट में कम हो जाएगी। तो यही चीज़ हुई, इंडिया की जो डिमांड थी नॉर्थ ईस्ट की वो कम हो गई और नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया ग्रिड से कनेक्ट हो गया। फिर 2014 में क्या हुआ, 2014 में असम में फ्लड्स आए, असम में फ्लड्स आए
और ये फ्लड्स का कारण था क्लाइमेट चेंज। फ्लड्स का कारण क्या था? क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट पूरे दुनिया में कहीं भी फ्लड्स आ रहे हैं उसका कारण क्लाइमेट चेंज ही है। पर हुआ क्या, इंडिया ने भूटान को ब्लेम कर दिया। इंडिया ने उस समय पर भूटान को ब्लेम कर दिया। अब ये बड़ा ही गलत ब्लेम था, भूटान का इसमें कोई रोल नहीं था। वो तो भाई क्लाइमेट चेंज का हो ही रहा, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके लिए उसमें आप भूटान को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। मालूम है क्या आपको ये बात? नहीं मालूम तो बता देता हूँ, भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। कार्बन पॉजिटिव कंट्री, पूरी दुनिया की हर एक कंट्री कार्बन पॉजिटिव कंट्री है। पूरी दुनिया में मात्र एक कंट्री ऐसी है जो कार्बन नेगेटिव है, वो है भूटान। अब कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कंट्री है ये, मान लीजिए आपकी कंट्री ये है, ये एरिया है आपकी कंट्री का, ठीक है। अब इस एरिया में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, फॉरेस्ट लगे हैं, ऐसे फॉरेस्ट लगे होंगे बहुत सारे आपकी पूरी कंट्री में, अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट होंगे, ये मान लीजिए फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। तो मान लीजिए इन फॉरेस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया एक साल में, 1 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक साल में मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉरेस्ट ने एब्जॉर्ब किया, एक्स अमाउंट ऑफ मान लीजिए एक्स है समथिंग, ठीक है। और आपकी कंट्री ने उसी एक साल में वाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वाई प्रोड्यूस किया। तो अगर एक्स आपका वाई से बड़ा है तो आप कार्बन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब आपकी कंट्री ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रही है। अगर आपका वाई बड़ा है एक्स से, मतलब आप प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हो और आपकी कंट्री के जितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कवर है, वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो आप कार्बन पॉजिटिव हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी कंट्री ग्लोबल कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। मान लीजिए आपके एक्स और वाई को कुछ वैल्यू ले लो, कि मान लीजिए एक्स 100 है, वाई आपका 110 है, मतलब आपने 10 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करी, मतलब आपका 10 सरप्लस है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस 10 सरप्लस है, मतलब आपने ग्लोबल एमिशन में क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। मान लीजिए आपने आपके फॉरेस्ट ने एक्स 100 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और आपने प्रोड्यूस मान लीजिए सिर्फ 90 किया, तो आपका सरप्लस कितना होगा, -10, मतलब आपने ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्री कार्बन नेगेटिव है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प कर रही है, और जो कंट्री कार्बन पॉजिटिव है वो क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंट्री कार्बन नेगेटिव है, मतलब हर कंट्री को कार्बन नेगेटिव बनना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया की एकमात्र कंट्री जो कार्बन नेगेटिव है वो है भूटान, मतलब एकमात्र कंट्री ऐसी है दुनिया में भूटान जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रही है, और बाकी दुनिया की हर एक कंट्री ध्यान से सुनना, हर एक कंट्री क्लाइमेट चेंज को प्रमोट कर रही है एक तरीके से। भूटान मात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। अब 2014 में जब असम फ्लड्स हुए तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भूटान को ब्लेम कर दिया उन फ्लड्स के लिए। तो भूटान ने बोला, यार ये क्या नाटक है, ये तो नौटंकी है भाई साहब, हम इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री है दुनिया की और आप हम ही को ब्लेम कर रहे हैं फ्लड के लिए। तो एक बड़ा ही नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ भूटान के अंदर, होना ही था क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट का जो स्टांस था वो नॉन अनसाइंटिफिक था। आप एक ऐसी कंट्री को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जो कार्बन नेगेटिव है, कर ही नहीं सकते सर, आपका स्टांस एकदम गलत था। खैर इंडिया का ये स्टांस लिया इंडिया ने और इससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट भूटान में जनरेट हुआ, जो जनरेट हो गया थोड़ा सा, हालांकि बहुत बड़ा इशू नहीं था, मतलब ऐसा, पर इट वॉज अ रॉन्ग स्टांस, नहीं लेना चाहिए था सच में भूटान के लिए, तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। भूटान भाई साहब इकलौती कंट्री है कार्बन नेगेटिव, तो भूटान के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए बोल ही नहीं सकते आप।
फिर क्या हुआ? उसी समय पर इंडिया की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो भूटान में इन्वेस्ट कर रही थी। मैंने बताया वो इंडिया भूटान को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा था। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फर्म्स हैं भूटान में, वो इंडियन डोमिनेटेड थी, इंडियन डोमिनेटेड है। मतलब जो कंपनियां भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें इंडिया का शेयर ज़्यादा है, इससे भूटान को बेनिफिट कम हो रहा है, लेस गेन। ऑब्वियसली बात है भाई, भूटान को गेन कैसे होगा? अगर आपका शेयर वहाँ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में ज़्यादा है तो भूटान को गेन होगा नहीं, तो इससे एक एंटी इंडिया फॉल्ट लाइन और जनरेट हो गई भूटान में। यार ये लोग तो हमारे यहाँ का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फर्म्स को एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा एक एंटी इंडिया फॉल्ट लाइन फिर से डेवलप हो गई। तो ये बड़ा ही गलत हुआ। तो भूटान जैसी कंट्री में ऐसा होना नहीं चाहिए, इंडिया को ये होने नहीं देना चाहिए, बट हुआ ऐसा अनफॉर्चुनेटली। फिर 2014 में न्यू गवर्नमेंट आई बीजेपी की, मोदी जी आए, मोदी जी ने सब देखा है क्या हो रहा है, तो ये समझ आया गवर्नमेंट को कि यार ये तो थोड़ा गड़बड़ है, ऐसे एंटी इंडिया फॉल्ट लाइन जनरेट होगा भूटान में तो दिक्कत हो जाएगा। तो इंडिया में नई गवर्नमेंट आते ही गवर्नमेंट ने बोला भूटान से कि हम सबसे पहले तो आपके यहाँ पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। भूटान की प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फर्म्स हैं उनको इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे भूटान के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, भूटान को गेन नहीं हो पा रहा, ऐसा भूटान का कंप्लेन है जो कि वैलिड है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक काम करते हैं, आपके यहाँ पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसमें हम भूटान के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और जब भूटान के लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा तो ये भूटान के लोग इन कंपनियों में जाके काम कर पाएंगे, जॉब ले पाएंगे। ये पहला चीज बोली। इससे क्या होगा, जो एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, वो मिटिगेट हो पाएगा। भूटान के लोगों को इन फिल्म्स में जॉब मिलेगा, भूटान के लोगों को इन फिल्म से इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट मिटिगेट हो पाएगा। दूसरा, इंडिया ने बोला कि हम भूटान के लोगों को कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देंगे। वहाँ पे भूटान का जो टेरेन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पे घर वर बनाना थोड़ा टफ होता है, उसमें स्किल चाहिए। तो इंडिया ने बोला कि हम कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देंगे, यहाँ भी हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो भूटान के लोग जो हैं घर वर बनाने का जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वहाँ भी जॉब ले पाएंगे। भाई स्किल होगा तभी तो जॉब ले पाओगे, आपको घर बनाना आएगा ही नहीं तो आप कहाँ से जॉब ले पाओगे? फिर तो बांग्लादेश जाके जॉब ले ही लेंगे। स्किल बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बात भी बोली कि हम भूटान के लोगों को स्किल देंगे, कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देंगे, उससे भूटान के लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जॉब ले पाएंगे। तीसरी बात बोली, तीसरी बात इंडिया ने ये बोली कि जो हाइड्रो पावर है अब वो सरप्लस बन गया, बनते जा रहा है। सरप्लस नहीं, सीजनल बनते जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि भूटान की जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, पर वो पेरिनियल रिवर्स कब थी? आज से 50 साल पहले। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक कंट्री का नहीं होता, क्लाइमेट चेंज होता है ग्लोबली। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कंट्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया, दूसरी कंट्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरे ग्लोब का एक साथ बढ़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे ग्लोब को एक साथ झेलना पड़ेगा। तो भले भूटान का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, पर उसके बाद भी वो बेचारे को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो झेलना ही पड़ेगा। बड़ी दुख की बात है ये, पर है, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं क्लाइमेट चेंज। मैंने बताया भूटान ऐसा कार्बन नेगेटिव कंट्री, ये चीज मैंने आपको बताई, पर उसके बाद भी उसको कार्बन ये क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा। और अब हुआ ये है कि प्रेजेंट डे में भूटान का जो हाइड्रो पावर है वो सीजनल बनते जा रहा है। मतलब
कुछ एक ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होता है रिवर में, और गर्मियों के समय पे फ्लो कम हो जाता है। एक समय पे जो रिवर पेरिनियल थी, पूरे साल भर एक जैसा फ्लो लेके चलती थी, अब वो पेरिनियल रिवर सीजनल हो गई है। तो भूटान में जो हाइड्रो पावर है वो सीजनल बन गया है, समर्स में सरप्लस होता है भूटान में, समर्स के टाइम पर सरप्लस होता है भूटान में, और विंटर्स के टाइम पे रिवर में फ्लो कम हो जाता है, रिवर जम जाती है, तो विंटर्स के टाइम में डेफिसिट हो जाता है। मतलब समर्स के टाइम पे भूटान को जितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है भूटान, और विंटर्स के टाइम में भूटान को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उससे कम प्रोड्यूस करता है। तो भूटान जब समर्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो वो यहाँ से फॉरेक्स कमाता है, फॉरेक्स उसका यहाँ पे कमाता है, फॉरेक्स पड़ता है भूटान का, और विंटर्स के टाइम में बेचारे के पास इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट हो जाता है, तो भूटान को मजबूरी में आके इंडिया से फॉरेक्स फॉरेक्स खर्चा करके इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती है, तो भूटान का विंटर में फॉरेक्स कम हो जाता है। तो भूटान इस चीज़ से परेशान था, तो भूटान आया इंडिया के पास कि ये तो बहुत दिक्कत दे रहा है हमको, समर्स में हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम उसको बेच के फॉरेक्स कमा लेते हैं, और विंटर में वो जो फॉरेक्स हमने कमाया सरप्लस में पूरा खर्चा हो जाता है, तो पूरे साल का नेट हमारे पास जीरो हो जाता है, पूरे साल का नेट फॉरेक्स हमारे पास जीरो हो जाता है, पूरे साल का नेट फॉरेक्स हमारे पास जीरो हो जाता है। तो भूटान इस चीज़ से परेशान था, तो इंडिया के पास आया, तो इंडिया ने प्रपोज किया कि हम आपके यहाँ एक पावर बैंक बना देते हैं। अब भैया ये पावर बैंक कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे मत पूछना भैया, पता नहीं मतलब क्या है पता नहीं, बस पावर बैंक बनाएंगे। तो इंडिया ने बोला कि जो समर में जो सरप्लस हो रहा है ना आपके यहाँ प्रोड्यूस, उसको यहाँ पावर बैंक में स्टोर कर लेना और वो विंटर में यूज़ कर लेना। अब ये कैसे होगा पता नहीं, इतना बड़ा पावर बैंक कैसे बनेगा पता नहीं, आई डोंट नो, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो उसे जाके पूछना, मुझसे मत पूछना कमेंट में ये कैसे बनेगा, बस ऐसा है इंडिया ने बोला ऐसा कि समर में हम पावर बैंक बना देंगे आपके यहाँ, तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को उसमें स्टोर कर लेना और विंटर में यूज़ कर लेना, ऐसा इंडिया ने बोल दिया। इतना बड़ा पावर बैंक पता नहीं कैसे बनेगा, बोल दिया भगवान जाने। अब दिक्कत यह है कि ये पावर बैंक बोला इंडिया ने 2014 में, अभी तक बन नहीं पाया है, डिलीवरी डेफिसिट है, अभी तक ये पावर बैंक बनकर तैयार नहीं हुआ, इतने साल हो गए, 2014 से 8 साल हो गए, अभी तक नहीं बन पाया। तो ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक निगेटिव पॉइंट है जो मैंने पहले हाईलाइट किया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया वादे तो कर देता है, बड़े बड़े पावर बैंक बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, डिलीवरी दे नहीं पाता समय पर। तो वो वाला जो पॉइंट मैंने बताया था डिलीवरी डेफिसिट वाला, वो पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया कि इंडिया के डिलीवरी डेफिसिट कैसे होता है, वो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि इंडिया ने पावर बैंक बनाने का बोला भूटान से कि हम पावर बैंक बना देंगे, अभी तक नहीं बना, और पावर बैंक कैसे बनेगा नहीं पता, कुछ पता नहीं इसके बारे में, गूगल सर्च करके देखना कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल जाए आपको, तो मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में अगर पावर बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है भूटान के पावर बैंक से रिलेटेड। बट इतना इंडिया ने बोला, भूटान को वादा किया, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया वादा, ठीक है, अधूरा वादा है वो। इतनी बातें भूटान की हाइड्रो डिप्लोमेसी में हुई, ठीक है, ये हाइड्रो डिप्लोमेसी थी एक तरीके की इंडिया भूटान की। तो इंडिया ने भूटान की हाइड्रो डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, पहले भूटान इंडिया से जनरेटर लेके गया, फिर भूटान को इंडिया ने जो बंगाल है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, बिसलथापा प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, फिर भूटान की जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ गई तो इंडिया ने चूखा कुरीचू तालाब वगैरह जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भूटान में बनाए। 2007 आते आते भूटान सरप्लस हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, फिर 2007 से लेकर 2012 तक इंडिया ने भूटान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज की नॉर्थ ईस्ट की डिमांड को मीट करने के लिए। उसके बाद 2013 में जो नॉर्थ ईस्ट का ग्रिड है वो ऑल इंडिया ग्रिड से लिंक हो गया, तो इंडिया जो भूटान से जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था इंडिया उसकी डिमांड कम हो गई। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से भूटान का जो इरेगुलरिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वो बढ़ गया, तो भूटान ये चीज़ इंडिया के पास लेकर आया, तो इंडिया ने भूटान को बोला कि हम पावर बैंक बना देंगे, पर उसका डिलीवरी डेफिसिट अभी तक बन के तैयार हुआ नहीं है। इतना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी इंडिया और भूटान के बीच में। अब इंडिया और भूटान के बीच में एक नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है जो आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एलिमेंट
जब भी कभी कहीं भी डिफेंस सुनाई दे तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग होता है आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का काम है डिफेंस को मेंटेन करना, ठीक है? पहली बात तो आपको ये समझना है, डिफेंस एक अलग चीज है, सिक्योरिटी एक अलग चीज है। डिफेंस और सिक्योरिटी को मिक्सअप नहीं करना। डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए कंट्री का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और एट प्रेजेंट इंडिया में दो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एक है रॉ, एक है आईबी। रॉ का काम है इंटरनल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, और आईबी का काम है इंटरनल इंटेलिजेंस, ठीक है? भूटान से इंडिया जो है डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों में एंगेज कर रहा है, डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों में एंगेज कर रहा है भूटान, भूटान से इंडिया। तो एक तरीके से भूटान इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भूटान इंडिया का बन चुका है आज की डेट में, ठीक है? और इंडिया भूटान से डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों में एंगेज कर रहा है, तो एक तरीके से इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे अपने आप को पोजीशन कर रहा है, एनएसपी के तौर पे इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे। तो अगर आपसे कोई बोले इंडिया एंड भूटान हैव अ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी विद ईच अदर, अगर ये बोले कोई, इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का मतलब है कि इंडिया और भूटान डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों ही एरियाज में एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं। जब दो कंट्रीज डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों ही एरियाज में एक दूसरे के साथ एंगेज करती हैं तो हम उनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तब उनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जब डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों ही एरिया में क्या करते हैं, एंगेज करते हैं। तो हमारे नेहरू जी ने बोला था ये बात कि भूटान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है भूटान को लेके, उसमें एल्ट्रुइज्म तो है ही, प्लस उसमें एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। और ये स्ट्रेटेजिक एंगल सिर्फ आज नहीं है, शुरू से था। नेहरू जी ने भी ये बात बोली थी कि भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। तो एल्ट्रुइस्टिक और स्ट्रेटेजिक एंगल दोनों है, स्ट्रेटेजिक एंगल और एल्ट्रुइस्टिक एंगल दोनों है। तो अगर आप पे एक बहुत ही सिंपल सवाल आ जाए इंडिया भूटान रिलेशन पे कि इंडिया भूटान रिलेशन को डिस्क्राइब करो, ऐसा सवाल एकदम एलिमेंट्री सवाल आ गया, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस सवाल में आपको एल्ट्रुइज्म वाला एंगल भी एक्सप्लेन करना है, उसके एग्जाम्पल भी देने हैं कि इंडिया ने कहाँ कहाँ भूटान को कैसे कैसे हेल्प किया, और आपको स्ट्रेटेजिक एंगल भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे भूटान और इंडिया के बीच में किस स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है, और कैसे भूटान इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चाइना एंगल उसमें एक्सप्लेन करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया भूटान से डिफेंस में एंगेज कर रहा है, तो इंडिया ने भूटान को डिफेंस लेवल पे हेल्प किया। कैसे हेल्प किया ये समझो, डिफेंस लेवल पे इंडिया ने भूटान को कैसे हेल्प किया। सबसे पहले इंडिया ने भूटान को असिस्टेंस दिया डिफेंसिव कोऑपरेशन में, को डिफेंसिव कोऑपरेशन में इंडिया ने असिस्टेंस दिया सबसे पहला। और डिफेंसिव कोऑपरेशन में असिस्टेंस दिया तो उसमें भी दो एलिमेंट थे, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। मतलब इंडिया ने एक तरीके से भूटान को असिस्ट किया, भूटान को सिखाया कि कैसे अपना डिफेंस करना है, और साथ ही साथ कैसे ऑफेंस भी करना। मान लीजिए कोई आप पे अटैक कर ले तो अपने आप को डिफेंस करते हुए ऑफेंस भी करना इंडिया ने सिखाया। तो
इंडिया ने डिफेंसिव कोऑपरेशन में क्या किया, डिफेंसिव कोऑपरेशन में इंडिया ने ट्रेनिंग दी वहाँ के सोल्जर्स को कि आपको कैसे डिफेंस करना है अपनी कंट्री की। उसके अलावा डिफेंस ट्रेड हुआ इंडिया के बीच में, मतलब इंडिया भूटान के बीच में, मतलब भूटान इंडिया से हथियार खरीदता है, इंडिया भूटान को आर्म सप्लाई करता है, और साथ ही साथ इंडिया भूटान ने एक्सरसाइजेस भी की इंडिया भूटान ने। तो ये डिफेंसिव कोऑपरेशन इंडिया भूटान का है कि इंडिया ने भूटान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, ट्रेड किया, आर्म्स ट्रेड किया, मतलब इंडिया ने भूटान को आर्म्स दिए और एक्सरसाइजेस की इंडिया और भूटान ने। ऑफेंसिव कोऑपरेशन में इंडिया ने क्या किया, ऑफेंसिव कोऑपरेशन में इंडिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, इंडिया भूटान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की। ये बात मैंने बताई थी कि 2007 में जो ट्रीटी इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी, उसमें 2007 में ये नया एलिमेंट जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग किया गया और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए इंडिया भूटान की तरफ से। है ना, जो टेररिस्ट हैं जो इंडिया भूटान के बॉर्डर में छुप जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की इंडिया भूटान ने, और ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह की गई। तो ये कोऑपरेशन किया इंडिया और भूटान ने डिफेंस लेवल पे। ठीक है, अब मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे दी इंडिया ने, ये आपको समझना है। मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक टीम बनाई जिसका नाम था IMTRAT, एक ये टीम बनाई। और एक जगह है हा, ये हा करके एक जगह है, दिस इज अ प्लेस इन भूटान। इस भूटान की जगह पे, भूटान में ये एक जगह है हा, उस जगह पे अपनी एक टीम भेजी जिसका नाम था इमट्रैक, इमट्रैक, IMTRAT, इमट्रैक। और ये टीम वहां पर गई और वहां पे जो भूटान के लोअर लेवल के डिफेंस ऑफिसर्स हमको ट्रेनिंग दिया। तो ये एक टीम थी इंडिया की जिसने लोअर लेवल डिफेंस ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया भूटान के। तो ये आपको याद रखना है कि एक टीम थी, ये इंडिया की टीम थी, एक इमट्रेट, ये गई एक जगह का नाम है हा, HA जगह का नाम है हा, वहां गई और वहां पे जाके वहां पे लोअर लेवल डिफेंस ऑफिसर्स को इंडिया ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स जो हैं भूटान के, उनको भी इंडिया ने डिफेंस प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड की। ये तो जूनियर लेवल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इसके अलावा सीनियर लेवल को भी प्रोवाइड की गई ट्रेनिंग। सीनियर लेवल डिफेंस ऑफिसर्स को भी इंडिया ने प्रोवाइड की ट्रेनिंग भूटान के। अब ये डिफेंस ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब डिफेंस ट्रेनिंग से क्या फायदा है, हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारा जो डिफेंस वैल्यूज है वो हम भूटान में इम्पार्ट करना चाहते हैं, मतलब हमारे जो वैल्यूज हैं हम भूटान के लोगों को के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हमारे डिफेंस वैल्यूज भूटान के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये एक तरीके का लेटेंट पावर प्रोजेक्शन है ये। हमारे डिफेंस वैल्यूज को हम शेयर कर रहे हैं भूटान से, ये एक तरीके का लेटेंट पावर प्रोजेक्शन है। और हमारा वैल्यू क्या है, रिमेन डिफेंसिव। इंडिया हम एक हमेशा डिफेंसिव रहता है, इंडिया कभी ऑफेंसिव नहीं रहता। इंडिया सिर्फ अपने आत्मरक्षा में वॉर लड़ता है, इंडिया कभी दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं करता। आज तक जितने वॉर हुए हैं उनमें हमेशा पाकिस्तान ने पहले अटैक किया है, इंक्लूडिंग 1971 वॉर। तो इंडिया ने अपनी डिफेंस ट्रेनिंग भूटान को दी, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था डिफेंस वैल्यूज का, कि इंडिया अपने डिफेंस वैल्यूज भूटान के साथ शेयर करना चाहता था। ये एक तरीके का पावर प्रोजेक्शन है, ये बात आपको समझनी है। दूसरा, हाँ आ रहे, दूसरा है, एक मिनट बता, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ।
हाँ मैं आ गया। तो डिफेंस ट्रेनिंग इंडिया ने भूटान को दी, और वो डिफेंस ट्रेनिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था डिफेंस वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना, और ये एक लेटेंट पावर प्रोजेक्शन था, ये मैंने आपको बताया। दूसरा था डिफेंस डॉक्ट्राइन को शेयर करना, हमने पहले दूसरे लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि नेवल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, आपको याद है? नेवल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। उस टॉपिक में मैंने बताया था कि जब नेवल एक्सरसाइज दो कंट्री करती हैं तो वो अपने नेवल डिफेंस डॉक्ट्राइन को शेयर करती हैं, नेवल डॉक्ट्राइन को शेयर करती हैं, और नेवल डॉक्ट्राइन को शेयर करती हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया था उसमें कि उससे क्या होता है, एक इंटरऑपरेटेबिलिटी डेवलप होती है। इंटरऑपरेटेबिलिटी से क्या होता है कि जरूरत पड़ने पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाती हैं। और ये बात भी मैंने बताई थी कि ये जो नेवल एक्सरसाइज है वह उन्हीं कंट्रीज के साथ की जाती है, सबके साथ नहीं की जाती, जिनके साथ आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपका बहुत ट्रस्ट होता है। अब भूटान जो है, भूटान की नेवी तो है नहीं क्योंकि भूटान लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो भूटान के साथ डिफेंस ट्रेनिंग के थ्रू इंडिया ने डिफेंस डॉक्ट्राइन शेयर किया, और इसका एम क्या है, इंटरऑपरेटेबिलिटी। तो भूटान के साथ इंडिया ने डिफेंस डॉक्ट्राइन शेयर की अपनी, जिससे कि कल को जरूरत पड़ने पर इंडिया और भूटान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए और एक साथ मिलके थ्रेट को मिटिगेट कर पाए। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था इंडिया का डिफेंस ट्रेनिंग का, इंटरऑपरेटेबिलिटी डेवलप करना। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो डिफेंस डॉक्ट्राइन शेयर करते हैं वो हर किसी के साथ नहीं करते, हर एरे गरे नथु कहरे के साथ नहीं की जाती, सिलेक्टिव कंट्री के साथ करते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट हो। तो अगर आप एग्जाम में एक चीज लिख दोगे सिर्फ कि इंडिया भूटान में डिफेंस डॉक्ट्राइन शेयर हुई, इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लाइड मीनिंग ये होगा कि इंडिया भूटान को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, एंड वाइस वर्सा, भूटान इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। क्योंकि वह बात भी मैंने आपको समझाई थी नेवल एक्सरसाइज के टॉपिक में, कि डिफेंस डॉक्ट्राइन जो शेयर होती है वन साइडेड नहीं होती है। इंडिया अपनी डॉक्ट्राइन भूटान के साथ शेयर करेगा तो भूटान भी इंडिया के साथ शेयर करेगा, इंडिया अपनी डॉक्ट्राइन यूएस के साथ शेयर करेगा तो यूएस भी अपनी डॉक्ट्राइन क्या करेगा, इंडिया के साथ शेयर करेगा। इट इज नॉट नेवर वन साइडेड, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, तभी ये काम होता है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी डॉक्ट्राइन शेयरिंग होती है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका था, मैंने फिर से बता दी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, डिफेंस ट्रेनिंग में, मतलब डिफेंस ट्रेनिंग क्यों इंडिया ने की, उसका तीसरा एम ये था कि दूसरी कंट्रीज, दूसरी स्टेट है उसके डिफेंस वैल्यू से लर्निंग लेना, ठीक है? लर्निंग फ्रॉम डिफेंस वैल्यूज ऑफ भूटान। भाई साहब, भूटान भले छोटी कंट्री है पर आप भूटान से भी तो कुछ सीख सकते हो ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि इंडिया बड़ी कंट्री है तो सिर्फ इंडिया इंडिया को सब कुछ आता है। तो तीसरा एलिमेंट ये था कि भूटान के डिफेंस वैल्यूज से हम लर्निंग लें, और भूटान के डिफेंस वैल्यू से हम लर्निंग लेंगे तो इससे ये होगा कि फ्यूचर एंगेजमेंट हमको करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि भूटान कैसे सोचता है, क्या सोचता है, उसकी जो वैल्यूज हैं उसको आप सीखेंगे, उससे आप लर्निंग लेंगे, और कुछ अच्छी बातों को हो सकता है आप अपने अंदर अब्जॉर्ब भी करें, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर एंगेजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर एंगेजमेंट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तीन एलिमेंट्स थे इंडिया ने जो ट्रेनिंग दी भूटान को, मिलिट्री ट्रेनिंग उसके, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी लेवल पे इंडिया और भूटान ने क्या कोऑपरेशन किया सिक्योरिटी लेवल पे, तो सबसे पहले तो इंडिया ने भूटान में एक लिसनिंग पोस्ट बनाया। ये क्या होता है, देखो, लिसनिंग पोस्ट इन भूटान, देखो लिसनिंग पोस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंट्री है
आपके एडवर्सरी है। इस कंट्री के बाजू में ये कोई कंट्री है, आपकी फ्रेंड है, ठीक है। अब ये एडवर्सरी है आपका, इस एडवर्सरी की हरकतों को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड के हेल्प लोगे और अपने फ्रेंड के यहाँ पे बॉर्डर में अपने कुछ लोगों को डिस्गाइज फॉर्म में बिठा दोगे, रॉ वगैरह के लोगों को बिठा दोगे, चार चार छह लोगों को। तो ये लोग यहाँ से बैठ के आपके एडवर्सरी पे नजर रखेंगे, इसकी एक्टिविटी पे नजर रखेंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, एज के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे नजर रखेंगे। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं लिसनिंग पोस्ट, है ना। ये छिछोरी हरकत हमारे यहाँ जो आंटी लोग होती है बहुत करती हैं, आंटी लोगों के लिए कोई काम ही नहीं भाई साहब, इंडिया में आंटी लोगों का जीवन में कोई काम ही नहीं होता। वो क्या करेंगी, दूसरे पर नजर रखेंगी, उसकी लड़की किसके साथ जा रही, उसका लड़का किसके साथ जा रहा, उसके यहाँ कौन आया, उसके यहाँ कौन नहीं गया। वो यही काम करती है, लिसनिंग पोस्ट वाला ही काम करती है वो 24 घंटे बैठ के, क्यों बैठ के नजर रखेंगी अपने सामने वाले के, अपने एडवर्सरी के, जिसमें उसकी दुश्मनी कि उनकी लड़की कहाँ जा रही, उनका लड़का कहाँ जा रहा, उनके घर में कौन आया, और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके दूसरों के साथ बांटती रहेंगी 24 घंटे। तो यही काम जो है कंट्रीज करती हैं कि अपने एडवर्सरी पर नजर रखने के लिए कंट्रीज एक लिसनिंग पोस्ट बनाती हैं, जहाँ पे वो अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करती हैं और इसके थ्रू अपने एडवर्सरी पर नजर रखती हैं, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखती हैं। तो ये भूटान है, ये चाइना है, ये इंडिया है। अब चाइना इंडिया का एडवर्सरी हम सब जानते हैं बात, तो यहाँ पे भूटान के बॉर्डर में इंडिया ने क्या किया, लिसनिंग पोस्ट बना लिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ चाइना पे नजर रखना है कि चाइना कर क्या रहा है, उसको देखना, नजर रखना है। तो पहला काम जो भूटान ने किया वो ये है कि लिसनिंग पोस्ट बनाया भूटान ने, इंडिया ने, नंबर 1, ठीक है। ये जो लिसनिंग पोस्ट है इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग सेंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे इंटेलिजेंस गैदरिंग सेंटर्स शब्द, सेंटर्स या स्टेशन, अगर आप कहीं पे ये शब्द सुन लो तो कंफ्यूज मत होना, लिसनिंग पोस्ट को ही इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन कहा जाता है। दोनों ही मतलब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये चीज इंडिया ने क्या किया है, ये चीज इंडिया ने किया है। दूसरा, इंडिया ने इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर को अपना लिंक किया है भूटान के साथ। इंडिया का जो इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर है उसको भूटान के साथ लिंक किया है। अब इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में इंडिया के सैटेलाइट हैं, इंडिया की ग्राउंड आर्किटेक्चर, इंडिया का एयर आर्किटेक्चर, ये ATC, ये सभी आर्किटेक्चर्स को एक तरीके से भूटान के साथ लिंक किया है इंडिया ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही चाइना पे नजर रखना, ठीक है। चाइना है कि हमको चाइना से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इंटेलिजेंस गैदर करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब जब भी आप यूपीएससी मेंस एग्जाम में ये चीज लिखोगे तो कभी चाइना का नाम मेंशन नहीं करोगे, आप यूपीएससी में इस तरीके से लिखेंगे, देखिए। इंडिया हैज मेड इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन इन भूटान, टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट समवन एल्स। कैसे आप लिखेंगे यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, यहाँ पे समवन एल्स का इम्प्लाइड मीनिंग है चाइना, कभी भी चाइना डायरेक्टली नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ये मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, चाइना चाइना होगा, आप एग्जाम में लिख कर नहीं आएंगे। मतलब इतना ज्यादा इम्प्लाइड है ये कि कोई बेवकूफ आदमी भी ये समझ सकता है कि आप अगर मैप देखेंगे तो ये भूटान है,
भूटान के ऊपर चाइना है, भूटान के नीचे इंडिया है, भूटान के इस तरफ भी चाइना इंडिया है, इस तरफ भी चाइना इंडिया है, भूटान चारों तरफ से इंडिया और चाइना से घिरा हुआ है, ऊपर चाइना नीचे इंडिया, ऊपर चाइना नीचे इंडिया। अगर यहाँ पे लिसनिंग पोस्ट कोई भी कंट्री बनाएगी तो बाय डिफॉल्ट वो चाइना पे नजर रखने के लिए ही बनाएगी, बाय डिफॉल्ट। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि है ही वही ऑप्शन ही है कि है ना, भूटान के ऊपर चाइना नीचे इंडिया, कोई तीसरी कंट्री है ही नहीं, तो वहां आपको चाइना मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से लिखेंगे आप बाय समवन एल्स, समवन एल्स का इम्प्लाइड मीनिंग है चाइना, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो लिसनिंग पोस्ट है ये भी वही कंट्री हमको बनाने देती है जिसके ऊपर हमारा हाई लेवल का ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये लिसनिंग पोस्ट एक तरीके से कोवर्ट एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, ठीक है, और कोवर्ट एक्टिविटीज कोई भी कंट्री उसी कंट्री को अपने यहाँ करने देगी जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल दूँ तो इस स्टेटमेंट का एक इम्प्लाइड मीनिंग ये भी हुआ कि इंडिया भूटान के बीच में एक हाई लेवल ट्रस्ट है। तो ये अब आप लोगों को समझ आ जाएगा, आप लोगों का इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कि ये स्टेटमेंट देख के आपका दिमाग ऑलरेडी ये बात बोल देगा कि भैया इंडिया भूटान में एक हाई लेवल ट्रस्ट है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट का इम्प्लाइड मीनिंग है, इम्प्लाइड है, बोलने की जरूरत नहीं है, खुद समझ जाओ कि भैया अगर किसी कंट्री में इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन बने हैं मतलब बहुत ट्रस्ट है उन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो कहीं भी अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें कि दो कंट्रीज ने एक दूसरे के इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन बनाए हैं तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में अब आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया भूटान को सिविलियन डिफेंस ट्रेनिंग भी दे रहा है, ठीक है, सिविलियन डिफेंस ट्रेनिंग भी इंडिया भूटान को दे रहा है। सिविलियन डिफेंस ट्रेनिंग मतलब पुलिस ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल पुलिस होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो होता है ना, जो उसके लिए भी ट्रेनिंग में इंडिया और भूटान कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया भूटान को पुलिस ट्रेनिंग भी दे रहा है, भूटान की पुलिस को इंडिया लाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, तो उसमें भी इंडिया भूटान का कोऑपरेशन हो रहा है, नंबर वन। अगला पॉइंट ये है, इसके अलावा इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BRO, इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री के अंदर आती है और इसका काम है कि रोड बनाने का काम, मिलिट्री रोड, मिलिट्री पर्पस के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं रोड होते हैं वो बनाने का इसका काम होता है, ठीक है, ये हर जगह काम नहीं करती, बॉर्डर एरिया में ही नाम काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया ने भूटान में एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है प्रोजेक्ट डनटक, एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट डनटक वो चलाया भारत ने, और इससे सोशल एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सोशल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब सोशल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैंने आपको बताया ना ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है BRO, ये मिलिट्री के अंदर आता है, ठीक है, तो ये जो मिलिट्री वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना ये हर जगह नहीं यूज होता, ये स्पेसिफिक जगह यूज होता है, वहां यूज होता है जहां पर स्ट्रेटेजिक कोई चीज काम करना है, गांव में सड़क खराब हो गई BRO को भेजना ऐसा नहीं होता, जहां स्ट्रेटेजिक कोई डिसीजन लेना है, कोई स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहीं पर BRO का यूज किया जाता है, गांव की सड़क ठीक करने के लिए BRO नहीं भेजते। तो इंडिया ने भूटान में BRO को भेजा और एक प्रोजेक्ट डनटक चलाया, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने सुना BRO आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो भी काम करेगा उसका कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगा, कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगा। तो इंडिया ने भूटान में ऐसे कॉलेजेस बनाए, ऐसे रोड्स बनाए जिनका स्ट्रेटेजिक वैल्यूज है, इंडिया ने भूटान में मिलिट्री ट्रेनिंग के स्कूल्स बनाए हैं इसके थ्रू, नॉर्मल स्कूल्स नहीं बनाएगा BRO, वही स्कूल बनाएगा जिसका कोई ना कोई रेलेवेंस डिफेंस में होगा, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डिफेंस में कोई रेलेवेंस है वो BRO बनाता है। गांव की सड़क खराब हो गई, शहर की सड़क खराब हो गई, शहर की सड़क में नाले, शहर में नाले भरने हैं, ये सब काम के लिए BRO यूज नहीं होता,
बीआरओ वही यूज होता है जहां पर मिलिट्री लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। तो बीआरओ से प्रोजेक्ट डंडक चलाया तो बाय डिफॉल्ट इसका आपको मतलब समझ जाना है कि वहां पर सोशल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाए। कई सारे ऐसे रोड्स होते हैं, ऐसे हाईवेज होते हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। मान लीजिए कोई रोड ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री स्टेशन है वहां जोड़ रहा है, तो उन रोड्स को स्ट्रेटेजिक रोड्स कहते हैं। तो वो रोड्स को मेंटेन करने का काम, उनको बनाने का काम किसका होता है? बीआरओ का होता है। उसके साथ साथ मिलिट्री हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं बनाए, मिलिट्री हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को उस एरिया में बनाया जाता है जहां पे वॉर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल हर जगह नहीं होता, आप देखोगे एमपी में मिलिट्री हॉस्पिटल ढूंढने घूमोगे तो शायद आपको मिले भी ना। मिलिट्री हॉस्पिटल उन स्टेट्स में, उन एरियाज में, उन लोकेशंस में बनाया जाता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक हाईवेज बनाए, रोड्स बनाए। स्ट्रेटेजिक हाईवेज किसको कहेंगे? वो हाईवे जो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां पर लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, वॉर होने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पे जो हाईवे बनेगा उसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक हाईवे। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड बनाए, इसमें बीआरओ है, स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड। अब आप समझ रहे हो ना ये स्ट्रेटेजिक का मतलब, कि वो एयरफील्ड जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास होगा उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड, जिसका यूज वॉर में होगा, कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड। हर एयरफील्ड को स्ट्रेटेजिक नहीं करेंगे, हर एयरपोर्ट को आप स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट नहीं करोगे, पर वो एयरपोर्ट जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास में होगा उसको स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट कहोगे। तो जम्मू कश्मीर में जो एयरपोर्ट होगा वो एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है। क्यों? अगर कल को भगवान ना करे पाकिस्तान से, चाइना से वॉर हो गई कश्मीर के एरिया में, तो उस एयरपोर्ट का यूज मिलिट्री करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड बनाए इंडिया के बीआरओ ने प्रोजेक्ट डंटक के अंदर। तो इसमें दो एयरफील्ड का मैं नाम बता देता हूँ, याद कर लेना। एक का नाम है पारो और एक का नाम है यांग फुला। यांग फुला, ये दो स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड के नाम भी रख लेना। फिर बीआरओ ने एक स्टील प्लांट भी बनाया है, ये डंगसम स्टील प्लांट है, DUNGSUM, डंगसम स्टील प्लांट, ये बीआरओ ने बनाया। अब आप लोग इतने समझदार हो गए हो, बीआरओ ने बनाया है डंगसम स्टील प्लांट, मतलब इसकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी तभी बनाया। तो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? इससे क्या होता है, लो ग्रेड वेपन्स बनाए जाते हैं इस स्टील प्लांट से। जो स्टील बनता है ना उससे लो ग्रेड वेपन्स बनाते हैं, जो कट्टे हो गए, गन हो गई, वो सब बनाने के लिए जो स्टील लगता है वो इस स्टील प्लांट में प्रोड्यूस होता है। तो इस स्टील प्लांट का एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, तभी जाके बीआरओ ने बनाया था। कहीं भी बीआरओ का नाम जुड़ा है तो वहां पे कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी। ऐसे ही बीआरओ का कहीं भी यूज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई रोड बीआरओ बना रही है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी, अगर कोई स्टील प्लांट बीआरओ बना रही है तो उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी, अगर कोई एयरपोर्ट या एयरफील्ड बीआरओ बना रही है तो उसकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और भूटान में, वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। जैसे जैसे इंडिया और भूटान के सिक्योरिटी नीड्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे इंडिया और भूटान का जो ये एंगेजमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये बड़ा ही एक डायनामिक रिलेशन है इंडिया और भूटान के बीच में, और ये एंगेजमेंट जो है समय के साथ और डीपन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये था डिफेंस डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी डिप्लोमेसी। अब इंडिया भूटान में हमने एक बांग्लादेश एंगल पढ़ा था, अब अगेन हम इंडिया भूटान में एक चाइना एंगल पढ़ेंगे फिर से। आज इंडिया भूटान खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है इंडिया भूटान का, इतना ही है इंडिया भूटान में। तो थोड़ा देर और लगेगा, टेंशन मत लीजिए, 2 घंटा हो गया है, 20-25 मिनट और, 2.5 घंटे का लेक्चर होगा ये शायद। तो क्या हुआ, अभी हम शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि 1949 में चाइना ने क्या किया,
चाइना ने भूटान से उसके जो बॉर्डर विलेजेस है उसको स्नैच कर लिया, इलीगली स्नैच किया था। और चाइना ने ये बात बोली कि उन विलेजेस में तिब्बती ओरिजिन के लोग रहते थे जो चाइना से एलिजेंस शो करते थे, इसलिए उसने वो विलेजेस को भूटान से स्नैच करके अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब चाइना ने ये हरकत की तो इंडिया ने भूटान का जो सोवरेन स्टेटस है उसको रिस्पेक्ट किया, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। भूटान का सोवरेन स्टेटस को इंडिया ने रिस्पेक्ट किया और चाइना ने भूटान के सोवरेन स्टेटस को रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया। चाइना ने भूटान पर अटैक करके इलीगल फॉर्म में उसका एरिया छीन के अपने अंदर मिला लिया। तो भूटान के लिए ये एक तरीके का एग्रेशन था और इस एग्रेशन से भूटान के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ और इंडिया के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, इतना हुआ। अब जब ये काम हो गया तो भूटान ने क्या किया, जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे चाइना से उनको तोड़ दिया। भूटान ने बोला हम चाइना से कोई भी डिप्लोमेटिक टाई नहीं रखेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक भूटान का कोई भी एम्बेसी चाइना में नहीं है और ना ही चाइना की कोई भी एम्बेसी भूटान में है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप कभी न्यूज़ में पढ़ लो कि चाइना में भूटान की एम्बेसी नहीं है, भूटान में चाइना की एम्बेसी नहीं है, तो क्यों नहीं है, वो अब आपको समझ में आ गया। तो आज तक मतलब 2022 तक, आज तक भूटान और चाइना का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, चाइना का पेट अभी भी नहीं भरा। जो भूटान का नॉर्थ और वेस्ट एरिया है, जैसे ये भूटान है, 2017 में डोकलाम क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें चाइना ने क्या बोला कि ये जो एरिया है नॉर्थ और वेस्ट वाला एरिया, ये एरिया भूटान का नॉर्थ और वेस्ट एरिया, उसका क्लेम भी भूटान चाइना करने लगा। चाइना बोलने लगा कि ये एरिया भी हमारा है, तो भूटान और इनसिक्योर हो गया। भूटान ने बोला ये क्या बदतमीजी है यार, तुमने पहले ही हमसे विलेजेस छीन लिए, अब तुम ये वाला एरिया भी बोलो ये भी हमारा है। आप ये बात जानते हैं कि चाइना क्या है, एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है। ठीक है, चाइना को अपना एरिया फैलाना है तो चाइना क्लेम करता रहता है। तो नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है भूटान का, ये वाला एरिया जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, वो चाइना ने क्लेम कर लिया, तो भूटान और इनसिक्योर हो गया और भूटान और ज़्यादा इंडिया के करीब आ गया और इंडिया को और ज़्यादा स्पेस मिल गया। और 2017 में जब ये क्राइसिस हुआ, जब चाइना ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री को बैठा दिया, तो भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी कि आप कुछ हमारी हेल्प कीजिए। तो इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री को भेजा और इंडिया की मिलिट्री यहाँ पर गई भूटान के अंदर, और इंडिया की मिलिट्री ने और चाइना की मिलिट्री का एक तरीके का एक स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में 2017 में। तो वो डोकलाम जो क्राइसिस हुआ था उसका ये इशू था कि चाइना जो है क्लेम करा था भूटान का एरिया, नॉर्थ और वेस्ट, ये वाला एरिया नॉर्थ और वेस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का कुछ एरिया और वेस्ट एरिया, ये वाला एरिया लगभग ऐसा नॉर्थ में, आप समझ लो, रफली मैं बना रहा हूँ फिगर, एग्जाम में आपको ग्राफ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि नॉर्थ और वेस्ट एरिया का कुछ एरिया चाइना क्लेम कर रहा था और चाइना ने उसके लिए अपनी मिलिट्री को यहाँ भूटान के पास में पोजीशन कर दिया था 2017 में। तो भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी, आप हमारी हेल्प कीजिए, तो चाइना बदतमीजी कर रहा फिर से। तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री को भेजा था, उसके बाद इंडिया की मिलिट्री वहां गई और इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस की वजह से चाइना आगे मूव नहीं कर पाया और चाइना भूटान का और एरिया कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इंडियन मिलिट्री। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए। इससे क्या हुआ, चाइना और इंडिया और भूटान का जो एंगेजमेंट है और डीपन हो गया, इंडिया भूटान के जो टाइज हैं और डीपन हो गए। अब जब चाइना ने ये बात देखी, जब चाइना ने ये बात देखी तो चाइना ने ये बात सोची, अब ये वाला एक इंसिडेंट हो गया। अब 1949 के बाद से ही चाइना और भूटान में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे और इसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट ये था कि इंडिया भूटान क्लोज आते जा रहे थे, इंडिया भूटान क्लोज आते जा रहे थे 1949 के बाद से। एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन इंडिया भूटान के बीच में डेवलप हुआ जिसको हमने इतने देर 2 दिन में हमने डिस्कस किया।
चाइना को ये समझ आने लगा कि यार ये सही नहीं हो रहा है, हमको भी भूटान में भूटान के साथ किसी तरीके से एंगेज करना पड़ेगा। तो भूटान ने एकदम बोल दिया था हम डिप्लोमेटिकली तो बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे चाइना को। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, चाइना चुपके से अपने बंदों को भूटान भेजने लगा, भूटान भेजने लगा, और उनके साथ चाइना कुछ सामान भेज देता था भूटान, जैसे मोबाइल फोन, कपड़े, है ना, खाने पीने का सामान, खिलौने, टॉयज बच्चों के लिए वगैरह वगैरह, कुछ छोटे छोटे सामान चाइना लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ भूटान भेजने लगा। अब ये लोग भूटान जाते और भूटान में जाने के बाद ये लोग वहां के लोगों को वो सामान दिखाते कि देखो हम ये लेकर आए हैं, हमारे पास ये है, ये है। अब भूटान जो है उतना डेवलप्ड कंट्री है नहीं, तो वहां के लोगों को ये सब सामान नया लगता, उनको लगता वाओ कितना अच्छा सामान है। तो चाइना चाइना के जो लोग थे वो उस सामान को भूटान के लोगों को देकर वापस आ जाते, और ऐसा चलता गया चलता गया चलता गया। तो लोगों के मन में एक तरीके का पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होने लगा चाइना को लेके, भूटान के लोगों के मन में। वो क्यों लगने लगा, क्योंकि भूटान के लोगों को लगता था वाओ ये कितने अच्छे हैं, हमारे लिए सामान लेकर आते हैं, हमको सामान देकर चले जाते हैं। अब भूटान जो आम आदमी होता है ना, उसको इतनी समझ नहीं होती कि चाइना ने हमारा एरिया छीन लिया था, चाइना हमारा एडवर्सरी है, इतना लोगों को समझ नहीं होती, लोगों को छोटी छोटी चीजें दिखती हैं। तो क्या हुआ, तो एक तरीके से लोगों के मन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होने लगा। फिर क्या हुआ, फिर चाइना ने भूटान से बोला कि देखो हम लोग डिप्लोमेटिकली एंगेज नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हम रिलीजियसली तो एंगेज कर सकते हैं। चाइना ने बोला कि आप एक बुद्धिस्ट कंट्री हैं और हमारे यहाँ भी बुद्धिज्म चलता है, तो हम लोग रिलीजियसली डिप्लोमेसी में एंगेज करते हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू भूटान को गिफ्ट किया, बुद्धा स्टैचू, जो कि एक जगह है थिम्पू, वहां पर है एक बहुत बड़ा बुद्धा जी का जो स्टैचू है, भूटान को चाइना ने दिया। तो भूटान को लगा कि यार ठीक है, रिलीजियस डिप्लोमेसी करने में क्या दिक्कत है। तो रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर भूटान में और ज्यादा लोग आने लगे चाइना से। भूटान ने अलाउ कर दिया कि बुद्धिस्ट साइट जो भी भूटान में है उनमें बिना वीजा के कोई भी चाइनीज आके दर्शन कर सकता है। तो ये वाला जो सिस्टम था, जो गिफ्ट देने वाला सिस्टम, और बढ़ गया, लोग आने लगे रिलीजन के नाम पर, चाइना में आने लगे, भूटान चाइना से भूटान में आने लगे रिलीजन के, रिलीजियस डिप्लोमेसी के नाम पर, और लोगों को क्लोथ, टॉयज, मोबाइल ये सब देने लगे। लोगों ने, चाइना ने अपना जो टेक्सटाइल है वो भूटान में प्रमोट करना शुरू कर दिया, कपड़े वगैरह लत्ता वगैरह अपना प्रमोट करना शुरू कर दिया। चाइना लोगों को गिफ्ट भेजने लगा अपनी तरफ से। तो इससे क्या हुआ, एक कॉमर्शियल प्रेजेंस चाइना का भूटान में डेवलप होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, फिर चाइना के जो टूरिस्ट थे उन्होंने भूटान में इलीगली रहना शुरू कर दिया, और इलीगली रह के भूटान के अंदर चाइना के सिटीजन्स ने, चाइना के लोगों ने, चाइना ने एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप के थ्रू भूटान के लोगों को सामान सप्लाई किया जाने लगा। तो इससे एक तरीके से एक कॉमर्शियल प्रेजेंस चाइना की बन गई, चाइना की कॉमर्शियल प्रेजेंस बन गई एक तरीके से। और जब चाइना की कॉमर्शियल प्रेजेंस बन गई तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक तरीके का वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज प्रो चाइना हो गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज प्रो चाइना हो गई। ये सब खेल रिलीजन से शुरू हुआ। पहले चाइना ने बोला देखो तुम भी बुद्धिज्म, हम भी बुद्धिज्म, अपन चलो एंगेज करते हैं, फिर एक बुद्धा की स्टैचू दे दी, फिर वहां के लोगों को सामान देने लगा, फिर लोगों के मन में पॉजिटिव इमेज डेवलप हो गई, गिफ्ट देने लगा, पॉजिटिव इमेज डेवलप हो गई। ऐसे धीरे कर करके कमर्शियल प्रेजेंस बना ली। फिर चाइना ने वो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सब जब हुआ तो भूटान के मन में जो नेगेटिव थॉट था, परसेप्शन था, वो थोड़ा कम होने लगा चाइना को लेकर, कम होने लगा। तो जब चाइना ने देखा कि जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव परसेप्शन है, वो कम हो रहा है, तो 2012 में चाइना ने बोला भूटान से कि आओ हम लोग एक बस एग्रीमेंट करते हैं। तो
चाइना ने भूटान से बोला कि हमारा एक जगह है ल्हासा, वहां से लेके पारो तक हम बस चलाएंगे फॉर टूरिस्ट। इन दो जगहों के बीच में बस चलाएंगे टूरिस्ट के लिए। अब इंडिया इनसिक्योर हो गया इसको देख के कि अब चाइना क्या करेगा, अपने लोगों को भेजेगा और एक तरीके से भूटान में एक लिसनिंग पोस्ट बना लेगा बिना भूटान की जानकारी के, और इंडिया को तो इंडिया के अंदर कोवर्ट एक्टिविटी को फंड करना शुरू कर देगा भूटान के थ्रू चाइना। तो इंडिया इनसिक्योर हो गया उसको देखकर, जो कि लॉजिकल था, होना भी चाहिए था। तो इंडिया इनसिक्योर हो गया कि भैया ये बस वस आने लगेगी और चाइना के लोग खुलेआम आने लगेंगे, तो चाइना भूटान के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट काम करेगा। तो इंडिया ने ये कंसर्न रेज किया भूटान से कि भैया ये जो है ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कि भैया ये जो हो रहा है उससे हमको नुकसान हो सकता है, सही नहीं है। तो भूटान ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो हम नहीं करेंगे। तो भूटान ने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो चाइना ने ये एग्रीमेंट प्रपोज किया था 2012 में, प्रपोज किया था, साइन नहीं हुआ था। चाइना ने प्रपोज किया था कि हम ल्हासा से पारो, ल्हासा चाइना में एक जगह है और पारो भूटान में एक जगह है, ल्हासे से पारो बस चलाएंगे टूरिस्ट के लिए। तो इंडिया को उससे इनसिक्योरिटी हुई, लॉजिकल है, क्योंकि फिर चाइना भूटान को एंटी इंडिया एक्टिविटीज यूज कर पाता। तो इंडिया ने कंसर्न रेस किया कि भैया इससे हमको इनसिक्योरिटी है, हमारा दिक्कत है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है। तो भूटान ने बात समझी और भूटान ने ये वाला जो प्रपोजल था उसको कैंसिल कर दिया। तो बोला हम नहीं करेंगे फिर, इंडिया को उससे इनसिक्योरिटी है। तो आज की डेट में हम बोले तो आज की डेट में जो चाइना है उसका भूटान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है भूटान और चाइना का आज की डेट में। पर चाइना ने भूटान में एक कमर्शियल प्रेजेंस आज बना लिया है, कमर्शियल प्रेजेंस चाइना का भूटान में है, और जो कि रिलीजियस डिप्लोमेसी के थ्रू किया उसने, मतलब रिलीजन का नाम यूज करके किया। रिलीजन डिप्लोमेसी के थ्रू किया, और इस तरीके से एक कमर्शियल फुटप्रिंट चाइना का भूटान में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था इंडिया भूटान। आज इंडिया भूटान खत्म हो गया, इंडिया भूटान में इतना ही है। तो इंडिया भूटान के रिलेशन को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सबको हमने समझ लिया। तो इंडिया भूटान आज खत्म होता है, इंडिया भूटान का दी एंड है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इंडिया अफगानिस्तान शुरू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।